ओम शांति। तो आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? जी हाँ जी ओके ठीक है। सभी को ओम शांति। मैंने जो रिसेंटली ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, आप में से किसी ने देखा वो? आई नो बहुत लंबा था, मैं भी पूरा नहीं देख पाई हूँ, बट अगर किसी ने देखा हो तो बता सकते हैं। देख पाए नहीं देख पाए? नाइन देखा डायमेंशन था। वाला थोड़ा हाँ करेक्ट करेक्ट, सा देखा, आधा पौना घंटा देखा था। आधा पौना घंटा। अच्छा क्या क्या मिला पॉइंट उसमें? हाँ मतलब वो हाँ फर्स्ट डायमेंशन से नाइन डायमेंशन तक जाना है। वन डायमेंशन इज आई एम करके बात कर रहा था। मतलब वो अभी स्टिल मतलब वो क्या जर्नी है उसकी। इट सेज दैट इट गोज फ्रॉम 1 to 9 एंड 9 to 8 एंड द सेकंड डायमेंशन डुअलिटी में आता है। थर्ड डायमेंशन में आज हम हैं। और तो ऐसे ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट है मगर मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली पूरे को। पर अलग अलग अच्छा तरीके से वो बता रहा है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा और सुनना पड़ेगा। वो जो पूरा मतलब कॉम्बिनेशन वो होलनेस में थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा। ओके। अच्छा शुरू शुरू में क्या बोला उसने, वो कुछ ध्यान है क्या? वो उतना एग्जैक्टली नहीं है मगर ओवरऑल ऐसे ही समझ में आ रहा था कि सिक्स हाँ डायमेंशन सेवन डायमेंशन कहीं कहीं पे जाके वो टॉप पे 9 पे तो बोलते हैं कि गॉड इट इज लाइक एज गुड एज गॉड। उसने शुरू शुरू में ये बोला कृति बहन कि जैसे हाँ हमारे ऑर्गन्स में सेल्स होती हैं, तो जो वैसे अभिजीत यू तो देयर? मदर से तो सारी सेल्स एक जैसी आती है, लेकिन फिर ऑर्गन्स बनते हैं तो जैसे न्यूरॉन्स से उनका काम अलग हो जाता है, पर न्यूरॉन्स में तो कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन्स ही ब्रेन का कार्य करते हैं, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो उसने ये कहा कि कुछ ही ह्यूमन बींग्स इस चीज को समझ पाएंगे, बाकी सारे लोग नहीं समझ पाएंगे जो चीजें डायमेंशंस की बातें करते हैं। हाँ इनिशियली उसने बताया। हाँ 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 ठीक है। और बताइए, और क्या बताया, और किसी ने बस मैंने सुना था? अच्छा नहीं देखा था। और किसी ने नहीं देखा? ओम शांति कृति बहन। हाँ ओम शांति। मदी जी बताइए। और मैंने एक्चुअली सेवा के टाइम पे सुना था, तो नोट्स तो नहीं बना पाए। मुझे जितना याद है उतना मैं बोल सकती हूँ हाँ बताओ। कि फोर्थ डायमेंशन को थर्ड डायमेंशन मतलब खींचते हैं, पीछे से खींचते हैं, ऐसे कुछ बोला था। अच्छा हाँ हाँ ओके। और डायमेंशंस के अलावा और क्या बात करी उन्होंने, वो कुछ कुछ? फोटॉन्स के बारे में कहा था, सन एंड हाँ और एक चीज मुझे पता नहीं है जो क्लिक किया है कि हम हर चीज में हम हैं ऐसे देख सकते हैं, वाटर में भी, हर जगह पे भी, हर जगह पे। तो उससे मुझे लगा कि ये कंसेप्ट निकला होगा कि हम मतलब कितने लाख इतने यूनिट। इतने योनियों में जाते हैं। हाँ हाँ ओके। हाँ, उन्होंने अपने पास्ट बर्थ की बात करी, कैम की, जबकि वो इजिप्ट में, जिसको इजिप्ट, बेसिकली केम इज इजिप्ट, तो उन्होंने वो बताया। हाँ और बताइए, और किसी ने देखा है याद आ रहा है तो? हेतल बहन और कुछ याद आ रहा है? दीदी कौन से वाले वीडियो मैंने अभी चैट में शेयर कर दिया उसका लिंक, ग्रुप अभी में भेज डाला रहे था मैंने, हैं? 9 डायमेंशन वाला। मैंने जो भेजा था वो दूसरा है, 2-3 घंटे का। ओके। और बताइए, किसी ने नहीं सुना? और ठीक है, तो उसका हम एक एस्पेक्ट आज डिस्कस करेंगे, उसमें कई सारी बातें। 2.5 घंटे का वो वीडियो है, और उस 2.5 घंटे में उन्होंने कई सारी, यस रेनबो, कई सारी उन्होंने बातें करी, कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, बहुत वंडरफुल कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के टर्म भी मुझे लगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज की जो हम क्लास रखेंगे, जिसको हम थोड़ा सा कर्मा से भी, अब हमारा रहेगा ये प्रोजेक्ट, हम उसको कर्मा से कैसे जोड़ते हैं, कैसे समझते हैं कि कर्मा कैसे काम करता है या नहीं करता है, तो उसने उसमें बताया। अच्छा, जो भाई है इसके अंदर, उसका नाम माटियास डी स्टेफनो है, हम लोगों ने पहले भी उसकी वीडियो सुने हैं। गाया पर ये भाई के सीरीज भी है, जो हमने देखने की भी कोशिश करी थी।
मुझे जहां तक समझ में आया, जितना जितना हम लोगों की योग तपस्या होती है, हमारी बुद्धि जितनी महीन होती जाती है, उसके अनुसार ही हमें बातें समझ में आती है। मुझे नहीं पता आज के समय में भी आज हम जो बात करेंगे वो कितनों को कितनी समझ में आएगी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हमारे में हमने कितना योग बल इकट्ठा किया है और योग बल को इकट्ठा करके कितनी अपनी बुद्धि को महीन बनाया है कि हम उसको समझ पाए। क्योंकि जब वो समझा रहा था डायमेंशंस की बातें, तो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि मुझे चीजें समझ में आ रही है, डायमेंशन समझ में आ रहा है। अभी तक उसने डायमेंशंस के बारे में बहुत बार बात किया, पूरा सीरीज है उसका इनिशिएशन करके गाया पर, जो देखा भी है, बट इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन इस बार बहुत इजी हो पा रहा था उसको समझना, बहुत इजीली बातें क्लिक कर रही थी कि अच्छा ये बोल रहा है, हाँ हाँ आई थिंक आई एम गेटिंग इट। किस आधार पर अगर आप देखोगे उसमें जो उसका इंटरव्यूअर है ओबरॉन ओब्रे नाम है शायद उसका, और वो बहुत ज्यादा वो साइकेडेलिक्स यूज करता है, आया हुसा जिसे हम लोगों ने पहले भी देखा था। साइकेडेलिक्स इज बेसिकली जो आपको ट्रांस में ले जाते हैं, मतलब एक तरह की ड्रग्स होती है वो, जो आपको ट्रिप्स पे लेके जाती है, मतलब आप बॉडी के, मतलब आप अपने मन की उस उन लेयर्स पर जाते हो जहां पर आप इजिली बाय बीइंग रेगुलरली वर्किंग ऐसे नहीं जा सकते हो। तो आपको हेल्प करती है कि वो आपको अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस या कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल पर लेके जाए। तो इससे रिलेटेड, इस लेवल से रिलेटेड एक और आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, इससे रिलेटेड गाया के ऊपर एक और बहुत अच्छी मूवी है जो हम देखेंगे साथ में आने वाले टाइम में, वी विल वॉच इट कल या परसों जैसे भी हम लोगों को टाइम मिलता है उसके अनुसार, जिसमें जिसका टाइटल है जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कर्मा के बाद में इस टाइम। तो उस मूवी का टाइटल इज टाइम इज आर्ट। उन्होंने बोला था उस मूवी में कि अभी तक के समय में हम लोग ये बात बोलते हैं कि टाइम इज मनी, और बाबा भी टाइम को एक तरीके से खजाने की तरह यूज करते हैं कि भाई किस तरीके से समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय व्यर्थ गंवाना मतलब कि मतलब व्यर्थ का खाता बढ़ाना और वो सब। लेकिन उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से टाइम को रखा गया है, उसको कहा है टाइम इज आर्ट। तो वो वाली चीज को भी हम किस तरीके से समझें कि अभी तक हम जहाँ रह रहे हैं, समय की इस धरती पर हम रह रहे हैं, समय जो रचना जिस तरह से काम कर रही है उस जगह पर हम रह रहे हैं, और किस तरह से वो काम करता है यहाँ पर। और कुछ समय बाद में बाबा ने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो संडे के मुरली में बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, बोला था कि बच्चों की पवित्रता की जो, मतलब बच्चे जो लकी सितारे हैं, लकी सितारों का की जो चमक है वो आदि काल में भी होती है और अनादि काल में भी रहती है। अनादि परम धाम में उनकी चमक चमकती ही रहती है। ये बात याद है आप लोगों को, बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम्हारी जो चमक है और आत्माओं की चमक से अलग दिखाई देती है परम धाम में चमकती ही रहती है, लेकिन अनादि। हाँ, तो फिर अगर हम इस चक्र में आ जाते हैं, जब नीचे धरती पर आ जाते हैं, तो तब कौन चमक रहा होता है वहां पे? तब तो हम वहां होते नहीं है। तो इटर्नली, अनादि मतलब इटर्नली कैसे चमकती रहती है? किसी का संकल्प चला, किसी को प्रश्न आया ये? चेतना बहन क्या लगता है? हमारा एक स्वरूप बाबा के तो ऑलरेडी वहां होता है ना।
वो हमें मैं परम धाम में एक बार इनफैक्ट मेरे को एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड कि हमारा एक स्वरूप ऑलरेडी परम धाम में है, उसके साथ हमको ये नीचे वाला स्वरूप अलाइन करना होता है, मतलब उसके ऊपर अभी मेरी चर्निंग चली रही थी। जैसे हम यहाँ पे ना हम अपने आप को चेंज करते हैं कि हमें चेंज करना है और हमें ये बनना नहीं, हमारा ऑलरेडी है इतने सालों में, जिसे कहते हैं गिरते गिरते क्या कहते हैं हम इस सेटिस्फाइड फॉर्म में पहुंच गए, तो अब इस फॉर्म को हमें उस परम धाम वाले स्वरूप से इसको अलाइन करना है ऐसा। ये ओम शांति, ये स्वरूप तो मेरा सूक्ष्मतन में है ना, हाँ उससे हमें अलाइन करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी है वहाँ पे, तो जो ऑलरेडी है फिर उसके हिसाब से हमें इसको अलाइन करना। अभी मतलब मैं ये सोच रही हूँ, मैं सुनिया बहन से भी इस बारे में बात कर रही थी कि मतलब बाबा ने ऐसा एक दृश्य दिखाया कि जैसे अलाइनमेंट नहीं होती है, जैसे जिसको वो अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है हमारी, अभी वो ऑलरेडी है, हमें उस जैसा बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पे आके कुछ बन रहे हैं, उसके साथ उसको अलाइन करना। पर एक मुरली में बाबा ने ये भी तो कहा था ना कि परम धाम पूरा खाली हो जाएगा, सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी जब, ऐसा भी था। फिर एक बार ऐसा भी आया था कि परम धाम सारा खाली नहीं होता है। हाँ, परम धाम खाली नहीं होता है, वो हाँ। इसी के जो सर्कुलर फॉर्म में है ना, साइक्लिक फॉर्म में, कि जैसे जैसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि लास्ट आत्मा वहां रही है और फिर कोई नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे बाबा बोलता है सत्युग भी जब बदलता है, जैसे हम अभी यहाँ से कलयुग से सत्युग में भी जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई एक लाइन सी लगी है किसके बाद अब सत्युग है, माने जैसे हम ही आत्माएं जाएंगे और जैसे कृष्ण का आह्वान जैसे बाबा बोलता है, तो इसमें कुछ खत्म नहीं होगा, खत्म तो हमारा कहते हैं कि मूल वतन में हमारा जगह तो फिक्स है ना, तो ये सही है ना, ऐसे बोलते हैं ना बाबा, वो तो फिक्स्ड है लेकिन हम तो नीचे पार्ट में जाने आ जाते हैं ना, जब जाएंगे तो जगह फिक्स है। हाँ, तो अगर ऊपर अगर अपर लेवल में मेरा अगर फिक्स है तो उस हिसाब से अभी यहाँ भी तो उसका इफेक्ट होगा ना, जैसे अगर अपर लेवल में मेरा है बहुत ऊपर लेवल में किसी आत्मा का, तो उसकी चमक यहाँ भी तो उस अनुसार होनी चाहिए क्या? यहाँ की बात नहीं कर रहे, बाबा ने परम धाम की बोला था कि आपकी चमक परम धाम इटर्नली चलती रहती है, वहां पर इटर्नली आप चमकते रहते हो। हाँ जी मानसी मैम बोलिए। दीदी अभी कार्मिक फिलोसॉफी के पे एक वीडियो देख रही थी गाया पे, तो उसमें वो भाई ने बताया था, उन्होंने बहुत डायमेंशन के रिलेटेड बातें की थी जो मुझे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया, बट उन्होंने जो लास्ट डायमेंशन बताया था उसको इथर नाम दिया था। तो वहां पे जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो गोल्फ होता है ना, वो खेल रहे थे और उनका पैर पूरा टूट गया, तो ही डिड नॉट टेक द मेडिसिन, उसका फ्रेंड डॉक्टर उसके साथ में था लेकिन उसको देखने भी नहीं दिया, ही जस्ट वेंट इन अ रूम और वो उनको आता है नियर अपने शरीर को छोड़ के जाने का, तो उन्होंने उस लास्ट डायमेंशन तक गया और वहां पे देयर इज एनर्जी लाइक टेड पोल ऑलरेडी देयर जो मेरी है, और उसने मेरा पैर ठीक करके दिया एंड 10 बजे मतलब 1 घंटे के अंदर वो फिर से गोल्फ खेलने चले गए, उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया विदाउट मेडिसिन डूइंग एनीथिंग। सो उन्होंने इस लास्ट डायमेंशन को गॉड एनर्जी भी बोला था, तो देयर इज सम एनर्जी उन्होंने बोला कि जो मेरी है और वो मेरे को ठीक करती है, तो आई थिंक समथिंग माइट बी देयर। करेक्ट, तो ये जो चीजें हैं, एक हो गया समय के चक्र में आना और एक है अनादि, समय के चक्र के पार, ये दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। परम धाम समय के चक्र के पार है, सूक्ष्म वतन समय के चक्र के पार है या नहीं है, क्या लगता है, क्या सूक्ष्म वतन में टाइम है या नहीं है? टाइम होगा ना, तभी तो कहते हैं हम अमृत वेला बाबा हमसे मिलने आता है, बाबा को कैसे पता कि टाइम में बंधे हैं सब। ओके, और बताइए सूक्ष्म वतन में समय है या नहीं है? हाँ है। नहीं, सूक्ष्म वतन हमेशा खुला हुआ है, उसमें कोई समय की सीमा नहीं है, जब हम चाहें खुला है, लेकिन जैसे यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो सूक्ष्म वतन में भी 12 बज रहा होगा क्या, या सूक्ष्म वतन में आज डेट 18 तारीख होगी क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, नहीं डेट टाइम तो नहीं होगा, डेट टाइम नहीं होगा, लेकिन एक जो जैसे यहाँ का स्पिन बहुत फास्ट है, वहां का स्पिन थोड़ा कम होता होगा, है तो है, टाइम से रिलेटेड कुछ तो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सेम टाइम यहाँ और वहाँ। ओके, तो ये चीजें, अब हमारा अगला टॉपिक आया है, होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, हमारा अगला टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग टाइम।
समय किस तरह से काम कर रहा है, समय की समय रूपी रचना कहाँ तक वैलिड है कहाँ नहीं है, समय में आना मतलब क्या, समय से परे जाना मतलब क्या, वो दुनिया कैसी होगी जहाँ समय नहीं है, ये दुनिया तो हमें पता है जहाँ समय है, तो उसकी कुछ झलकियाँ आज हम समझेंगे ये 9 डायमेंशंस की। अभी भी मतलब हो सकता है कि कुछ बातें शायद अनक्लियर रह जाए, मुझे भी जरूरी नहीं है सारी बातें समझ में आई है, तो हम इसके ऊपर चर्न करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें ये डायमेंशंस हमारे लिए कितने हद तक वैलिड लग रहे हैं, कितने हद तक ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, कितने हद तक हम इसको समझ पा रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं, एंड आर वी सीइंग दिस शिफ्ट इन आवर लाइफ। सिर्फ कहने के लिए नहीं, गहराई से क्या हमें ये शिफ्ट दिख रहा है, जो डायमेंशंस का शिफ्ट हो रहा है। हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, तो हम किस डायमेंशन में जा रहे हैं? सत्युग कौन से डायमेंशन में होने वाला है? क्या यह थर्ड डायमेंशन में ही रहने वाला है या ऊपर नीचे कहीं हम जाएंगे, क्या होने वाला है? तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे नेक्स्ट रिसर्च का टॉपिक है आफ्टर कर्म। एंड कर्मों के साथ में जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया मैं डेफिनेटली आज शेयर करूंगी, लेकिन अब हमारा जो भी टॉपिक रहेगा उसके साथ में प्रीवियस टॉपिक को भी ऐड करेंगे कि अब इसकी कहानी कर्मों के साथ कैसे फिट होती है। कर्मों का सिद्धांत और समय का सिद्धांत, लॉ ऑफ टाइम एंड लॉ ऑफ कर्मा, कैसे दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये पूरी क्रिएशन साथ में चल रही है। ऐसा नहीं समय पीछे रह जाता है और कर्म आगे आ जाते हैं, या कर्म पीछे रह जाता है समय आगे आ जाता है, ऐसा नहीं। दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, प्रकृति साथ में मिलकर काम कर रही है, ड्रामा साथ में चल रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कृति बहन की, जैसे हम कह देते हैं कि आज के कर्मों का अभी अगर हमें नहीं मिला तो हो सकता है आगे आके मिले, यानी कभी ना कभी कर्म के फल को फलीभूत होना ही है, वो समय पे डिपेंड नहीं कर, मतलब समय हम नहीं कह सकते पर आएगा जरूर, आपका कहने का मतलब ये? नहीं, मेरा तो नहीं पता कि समय और कर्म कैसे जुड़े हैं, समय और कर्म कैसे जुड़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जुड़ा है क्योंकि ड्रामा चल रहा है, समय अनुसार ड्रामा चल रहा है, तो समय अनुसार कर्म हो रहे हैं। अब क्यों बाबा, क्यों अभी ही लास्ट 100 इयर्स में ही क्यों एटम बॉम्ब्स की क्रिएशन हुई है, क्यों इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं, साइंस अभी लास्ट 100 इयर्स में ही क्यों आई है, क्या इसमें कर्म कहीं जुड़े हैं? क्या कर्मों का सिद्धांत समय के साथ जुड़ा है? लॉ ऑफ कर्मा इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ टाइम और नॉट? अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है? जयश्री बहन, हाँ क्लियर हो रहा है मुझे। ठीक है, तो आज की जो उससे रिलेटेड, ये समय बहुत समय से मेरी बुद्धि में चल रहा है बहुत समय से बुद्धि में घूम रहा है, तो करेंगे हम इसके ऊपर, लेकिन आज की जो वीडियो है और जो ये वीडियो आप लोग देखिएगा, हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो, हाँ जी संदीप भाई बोलिए। नहीं नहीं, टाइम का ही मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए कि जैसे हम ये बोलते हैं कि पहले वाले कर्म का हिसाब आज हम दे रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं उसका आगे टाइम का आगे आएगा, तो साइक्लिक फॉर्म में तो हो रहा है, आज हमें ये पता चला है कि वो साइक्लिक है, नहीं तो अदरवाइज आज ज्ञान में नहीं आते हम, तो हम ये बोलते हैं कि लीनियर चल रहा है कि हाँ एक के बाद एक आज हम कर रहे हैं, तो पिछला वाला हमारा आज आया है, पिछला वाला अभी हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हम बोलते हैं, तो अभी हमको साइक्लिक फॉर्म समझ में आता है, तो आप क्या रिलेट, साइक्लिक का है, लीनियर ही तो है। नहीं, जैसे अभी हम सत्ययुग की बात करते हैं, बीच में तो ये सर्कल घूमता है, तो हमको आज लग रहा है कि हम चेंज कर सकते हैं अपने जो भी आगे के सत्ययुग के लिए, हम अपना अपना कर्म सही करके, श्रेष्ठ काम करके हम कर सकते हैं, तो हमको अब ऐसा लग तो रहा है कि हम ये सर्कुलर साइक्लिक फॉर्म में है। आप कैसे बोल रहे हो कि लीनियर फॉर्म में ही समझ रहे हैं? क्योंकि एक हो गया, साइक्लिक का मतलब भी क्या है वो भी मुझे बड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात इसलिए कह रही हूँ कि लीनियर का मतलब होता है, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा, तो लीनियर का मतलब होता है कि इवेंट ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, सॉरी राइट, ए बी और सी, इसकी क्रम
यही है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसको मैं लीनियर कहती हूँ, राइट। अब आप लोग बोल रहे साइक्लिक है, तो मैंने क्या किया कि हाँ ठीक है, ए से बी हुआ, सी हुआ, और फिर सी से डी हो गया, और डी से वापस ए आ गया, राइट। तो ये साइक्लिक हो गया, लेकिन है तो ये लीनियर ही ना, अभी भी तो ए के बाद बी और बी के बाद सी आ रहा है, मतलब बेसिकली सर्कल भी क्या है, एक लाइन है जो हम, वही तो सर्कल है, जैसे कि ये दो पॉइंट्स थे, इसको मैंने ब्रेक कर दिया और खुल करके लाइन बन गया, मतलब ए, इसमें मगर ये है कि वो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, एक ओपन एंडेड नहीं है। जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, अब मैंने इसको खोल दिया तो ए बी सी डी ई एफ जी है तो लीनियर ही ना, बस जी के बाद ए आ गया, वो बात ठीक, तो जी को ए, ये हो सकता है तो कारण हम बोल दिया हमने कि साइक्लिक है, लेकिन एक्चुअल में है तो लीनियर ही। ओके, तो नहीं तो मेनली तो मुझे क्वेश्चन वो टाइम के रिलेटेड में कर्म का क्या मतलब क्या नेक्स्ट वाला जो है कैसे रिलेटेड है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मैं आपको समझूंगी समझाऊंगी, देखते हैं कि हमें कितना क्वेश्चन करेंगे। दीदी जैसे अभी आपने लीनियर बोला तो, लेकिन ये ए से बी और बी से सी तक तो हम, और डी तक तो हम लीनियर बोल रहे हैं, बट एक पॉइंट के बाद आके फिर वो साइक्लिक हो रहा है ना, क्योंकि डी के बाद आके फिर वो रिपीट होकर ए पर आ रहा है, तो तब तो फिर इसको साइक्लिक बोलेंगे ना। साइकिल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि दो डॉट्स कनेक्ट हो जाए और वो साइकिल हो जाए, या साइक्लिक का मतलब कुछ और भी होता है, क्योंकि एक्चुअल में अगर ऐसा ही इसी को साइक्लिक कह रहे हैं तो ये तो सिर्फ, ये साइक्लिक कहाँ है, लीनियर ही तो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी आ ही रहा है। प्रति दीदी साइक्लिक का मतलब होता है रिपीटेशन, तो हाँ तो रिपीटेशन में मतलब वापस हम आ गए ए पर, जैसे सत्युग आया फिर कलयुग आया फिर सत्युग आया फिर कलयुग आ गया, रिपीटेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको सर्कल बोल रहे हैं ना। मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या इसीलिए इसको साइक्लिक कह सकते हैं या इसके और भी राज हैं, यही हमें समझ में। भाभी मोंटावो कब जाएंगे आप? ठीक है, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें, चेक करते रहें कि आप कहीं अनम्यूट तो नहीं हो गए ना, बिकॉज ठीक है। मैं संदीप भाई आपको बना रही हूँ को-होस्ट, आप देख लीजिएगा अगर कोई म्यूट अनम्यूट होता है तो ठीक है। तो फिर अब हमारा जो नेक्स्ट है वो इसी, ये जो टाइम और कर्मा का मैरी है, कैसे ये दोनों की शादी हो रही है, कैसे ये दोनों जुड़े हैं, ये हमें देखना है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अनजान है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत क्लैरिटी है, बट ये कहीं ना कहीं जुड़े हैं। पहले हम सिर्फ समय को समझेंगे, पहला इसका फेज वन होगा समय को समझना, और फिर होगा कि देखना पिछले टॉपिक से ये कैसे जुड़ता है, समझे, वो हम करते जाएंगे धीरे धीरे हम करेंगे। तो अभी जो हमारा का टॉपिक है उसमें उस भाई ने 9 dimensions मेंशन किए हैं, मैं वो 9 dimensions को थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से डायमेंशन लेवल पर हमारी रियलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो हमारे ग्रंथ, हमारी जो रिलीजियस गुरुज रह के गए हैं, वो जो बातें करते थे वो किस आधार पर करते थे। तो मैंने यहाँ पर बनाया है, सबसे पहले तो उन्होंने डायमेंशन को समझाया, उन्होंने कहा डायमेंशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं चीजों को, दो तरीके से मेजरमेंट हो रहा है तो उसको डायमेंशन बोलते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छे से समझाई, तो एक्चुअल में ऐसे 9 तरीके हैं जिसमें हम उसको चीजों को मेजर करते हैं। इसके साथ में अगर मैं आपको एक और अगेन इसके साथ में अगर हम ऐड करें हमारा वो भाई, क्या नाम है उसका, एक भाई है, ठीक है गाया पर ही उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन भाई ने डायमेंशन के लिए भी उन्होंने ये बात बोली थी कि डायमेंशन इज बेसिकली डेंसिटी जो कि फ्रीक्वेंसी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती जाएगी उतना हम डायमेंशन ट्रेवल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतना हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को साउंड भी आप ले सकते हो क्योंकि साउंड फ्रीक्वेंसी की बनी होती है, तो जितना जितना हमारे
अपर लेवल पर हमारा मूवमेंट होता है, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तो हमारे डायमेंशन को चेंज करें। तो ये दो चीजें अभी तक हमारी डायमेंशन के बारे में क्लियर है, ज्यादा अभी तक कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि पहला जो डायमेंशन होता है वो होता है आई एम, मैं हूं। मैं हूं का होना आभास। अब ये मैं कब कब होता है हमारे साथ में, कब कब मुझे लगता है कि मैं हूं? जैसे ही हम सोकर उठते हैं, देखेंगे आप कभी, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब भी हम सोकर उठते हैं सबसे पहली हमें जो स्मृति आती है वो यही होता है कि हाँ मैं हूं, आई एग्जिस्ट। क्योंकि आत्मा को एग्जिस्टेंस का पता तभी चलता है जब वो शरीर से जुड़ी होती है, जब उसके पास में कोई भी तरह का शरीर हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे वो स्थूल शरीर हो। बिना सूक्ष्म स्थूल शरीर के आत्मा को अपनी एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलता है। ये बात क्लियर हुई? उसके बिना उसको पता नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं। तो ये शरीर कहीं ना कहीं हमें ये बात बताता है कि मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, आई एम। तो आई एम अ सोल या आई एम अ बॉडी, ये दूसरी बात हो जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस है या सोल कॉन्शियसनेस है। लेकिन मुझे मेरे होने का भान हर सुबह होता है, जब मैं सोके उठती हूँ तो दिखता है अच्छा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं कार्यशील हूँ, मैं कर्तव्य कर रही हूँ, या जो भी है मुझे ये करना है, वो करना है, बट मैं हूँ, ये बात हमें तभी पता चलती है। और भी बहुत सारी चीजों में पता चलती है जब हमें रियश्योरेंस होता है हाँ मैं हूँ। तो फर्स्ट डायमेंशन, मैं अपने आप को जब तक देखता नहीं हूँ, जैसे मेरी मूवमेंट जब तक नहीं होती तब तक मैं अपने आप को कैसे रियलाइज करता हूँ कि मैं हूँ? कुछ मूवमेंट होती है, हाँ शरीर में तो मूवमेंट हो ही रही है ना, हर पल आप सांस ले रहे हो, आप जुड़े हो शरीर से, भले शरीर सो रहा है बेड पर, लेकिन जब हम सोते हैं तो हम कुछ समय के लिए शरीर से डिटैच होते हैं। तो जब हम जगते हैं तो अब अनुभव होता है कि हाँ मैं हूँ, कॉन्शियस में आता है। नहीं तो जब हम शरीर से डिटैच होते हैं, जब हम सपने देख रहे होते हैं, जो भी चीजें होती है, तो जब हम शरीर से अलग होते हैं तो हम तब इस शरीर के जगत को, इस थर्ड डायमेंशन को अनुभव नहीं कर रहे होते हैं। हम इस डायमेंशन में नहीं होते, हम एक दूसरे डायमेंशन में होते हैं, जो हम यहाँ पर समझेंगे जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं, ड्रीमिंग चल रही होती है। ओके। तो मेरे को तब मैं अपने आप को नहीं देख रही होती हूँ, अपने आप के होने को नहीं जान रही होती, तब अलग प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो फर्स्ट डायमेंशन में मैं दिन में सिर्फ सो के उठते ही होता हूँ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक वो आभास है कि जिसमें मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं हूँ, बस okay. मेरा एग्जिस्टेंस है। ओके, दैट्स इट, फर्स्ट डायमेंशन बना। हाँ, ड्रीम्स में एनर्जी बॉडी रहती है? हाँ, ड्रीम्स में कौन सी बॉडी रहती है वो आप मुझे बताना, पहले मैं बताऊंगी ड्रीम का। मुझे ऐसा फील हुआ था इसलिए। तो फर्स्ट डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन इज बेसिकली हमें हमारे एग्जिस्टेंस के होने का पता चलना। अब हमारी एग्जिस्टेंस दो चीजों से बनी होती है, पहला होता है हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, दूसरा होता है हम सोल कॉन्शियस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम फर्स्ट डायमेंशन की बात करें, तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर के होने को अपना होना समझते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये भी अब मेरे होने का मुझे आभास है। क्योंकि अब अगर मेरे पास में स्थूल शरीर नहीं है तभी भी मैं इस बात को अनुभव करती हूँ कि मैं हूँ, ज्ञान के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है और उसकी जो अनुभूति मुझे होती है सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस स्टेट में रहने की, उसमें हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं हूँ, ये शरीर नहीं भी हूँ फिर भी मैं हूँ। तो कल को अगर मैं जागूँ और शरीर नहीं रहे तो मुझे मेरे एग्जिस्टेंस पर इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज आई स्टिल नो मैं हूँ, या मुझे डर नहीं लगेगा, या मुझे क्राइसिस नहीं हो जाएगा एग्जिस्टेंस का कि मैं हूँ। ठीक है, ये दो अलग स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन इन दोनों के द्वारा भी हम अपने होने को समझते हैं। अब उनका जो तरीका है चीजों को समझाने का, वो दो तरीके हैं, या तो हम फर्स्ट डायमेंशन से सेकंड डायमेंशन जाए, थर्ड डायमेंशन जाए, फोर्थ डायमेंशन जाए, ऐसे करके पूरा नाइन्थ तक बढ़े, या फिर फर्स्ट से, उन्होंने एक और दूसरी साइकिल बताई थी कि फर्स्ट से हम एट में जाए, फिर सेवन में जाए, सिक्स में जाए, फाइव में जाए, फोर में जाए, थ्री में जाए, टू में जाए, फिर हम नाइन को समझे कि नाइन क्या है। तो मैं भी सोचती हूँ कि वही वाला ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से डायमेंशन बताया, तो पहले से अब हम दूसरा समझते हैं कि एट्थ डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, इतना कोई वो नहीं है, और हम वन टू थ्री फोर भी समझेंगे, लेकिन आज के पुरुषार्थ के हिसाब से
मुझे लगता है कि ये वाला पाथ अच्छा रहेगा. तो एट्थ डायमेंशन उन्होंने बोला, एट्थ डायमेंशन इज अवेयरनेस कि मैं हूं लेकिन मैं क्या क्या हूं. तो जो ये वाला जो पाथ है जिसमें हम फर्स्ट से एट्थ में जा रहे हैं, ये वो पाथ है जो एनलाइटनमेंट की तरफ हमें लेके जाता है. वर्सेस अगर हम 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे जा रहे हैं तो वो पाथ है जहां पर हमें बहुत मेहनत लगेगी समझने में चीजों को. जब बाबा हमारे जीवन में आते हैं, ये सिर्फ सोल कॉन्शियस लेवल पे जब बाबा हमारे पास आए, या किसी बाबा ही नहीं, किसी भी हायर सेल्फ ने किसी लो जो जो एक साधारण इंसान है उसको एक नजरिया दिया है, या उसको साक्षात्कार हुआ है, या उसको मान लीजिए उसको अनुभव हुए हैं, वो बॉडीलेस फील किया है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीजें जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, वो जो अनुभव होते हैं उसके द्वारा जो जो हमें बातें समझ में आती है वो इस साइकिल से समझ में आएगी जो हम 1 से 8 में जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है जीवन में, बाबा के ज्ञान में भी अगर हमें कोई टचिंग्स नहीं हो रही है, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा वो चीटी पुरुषार्थ चल रहा है जिसको बाबा चीटी पुरुषार्थ कहते हैं. तो अभी हम समझेंगे वो दोनों चीजों में क्या फर्क है, लेकिन अभी फर्स्ट इज कि हमने फर्स्ट से हम एट्थ में जाते हैं. तो फर्स्ट में इंस्टेड ऑफ बीइंग बॉडी, बॉडी कॉन्शियस होने की जगह जब मैं सोल कॉन्शियस होती हूँ, तो एक बार सोच के देखते हैं कि अच्छा मैं अगर सोल कॉन्शियस हूँ तो एक होता है दिन भर में ये सोचते रहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो हम लोग मोस्टली हमेशा यही करते रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ. लेकिन मुझ मेरा आत्मा होना मतलब क्या, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग अ सोल, कोई बताना चाहेगा मेरा आत्मा होना मतलब क्या? ठीक है, हाँ जी, हाँ दीदी बोलिए. oneness क्या मतलब है oneness का? सबके प्रति एक जैसा दृष्टि होगा, किसी के साथ कोई rejection नहीं है, rejection का feeling नहीं है. ठीक है, interconnectedness, the everything is cleared. आत्मा होना में सब कुछ क्लियरिटी आ जाती है. ओके, और बताइए. और एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस हर सीन में. ये आत्मा होने से ही आपको आ गया था क्या, या पढ़ा लिखा मेहनत किया तो आया? जो हम बता रहे हैं, पढ़ा लिखा मेहनत किया था, ये अनुभव हुआ था उनका. तो क्लैरिटी जब हम जो या जो हम बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस कनेक्टेडनेस, तो ये आत्मा होते ही स्वयं को थोड़ी समझ में आया, आत्मा होने से समझ में नहीं आया, आत्मा का स्वरूप का जब साक्षात्कार हुआ, आत्मा समझने से कुछ नहीं हुआ, आत्मा होने से कुछ नहीं हुआ, जब आत्मा का असली स्वरूप का एनलाइटमेंट हुआ. पहले तो उसको मतलब वो दिखाई देने लगा, तब जाकर पता लगा कि मैं ये हूँ, क्योंकि अभी भी हमें एनलाइटमेंट थोड़ी ना हुआ है, अभी भी हमको अपना असली स्वरूप थोड़ी ना दिखा है. हम कहते हैं रट्टू तोते की तरह कह रहे हैं, हम आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा है, पर अभी तक हमने न तो अपने आप को देखा है, न हमारे डायमेंशन को हमने जाना है, बेहद को जो कहते ना लिमिटलेस होती है आत्मा, उस चीज को थोड़ी ना देखा है हमने. करेक्ट, देखा भी नहीं और अनुभव भी नहीं किया है. हाँ, तो अब हम ऐसे आत्माओं की यहाँ बात कर रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आए हैं. देखो, ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा हम लोगों को बता रहे हैं कि आप आत्मा है जी, शरीर नहीं है. तो वहां पर हम जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के द्वारा उनकी जागरूकता को बढ़ा रहे हैं, एक नॉलेज का पॉइंट दे रहे हैं. लेकिन ये जो बातें हमें यहाँ पर आज जो हम फर्स्ट टू एट्थ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये वो आत्माएं हैं जिनको घर बैठे या जिनको मतलब वो कभी ना स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बट सडनली उनको ऐसे ऐसे अनुभव हो गए कि दे सडनली अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन टू बी मी. मेरा होना, मैं हूं, ये होना का क्या मतलब है, क्या शक्तियां हैं इसमें,
आज हमारे लिए चिंतन का विषय है। हम सोचते हैं अच्छा आत्मा होने का मतलब क्या है, अच्छा हमें यूनिटी मिल जाएगी, हम इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, हमें सब चीज क्लैरिटी हो जाएगी, ये एक हो जाती है चिंतन करके निकाली हुई चीजें। दूसरी चीज होती है साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट, जागरूकता, सडनली आई एम अवेयर कि मेरा आत्मा होने का मतलब क्या है। जैसे आज हम सद्गुरु की बात करें, जब उसको सडनली उसके लिए एकदम ओपन हो गई थी चीजें, आप अगर आप लोगों को याद हो तो उसने अपना अनुभव शेयर किया था कि वो चामुंडा हिल पर बैठा था मंदिर के सामने और सडनली उसको सारी चीजें एक जैसी दिखने लगी एंड ही अंडरस्टूड। उसको चिंतन नहीं करना पड़ा, ही अंडरस्टूड कि वो पार्ट है दुनिया का और दुनिया पार्ट है उसका। उसको यूनिवर्स अपने शरीर के अंदर दिखने लगा और अपना शरीर पूरे यूनिवर्स में दिखने लगा। सब कुछ मतलब जो हम बातें सोच सोच के निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं चिंतन करके, वो उसको विद इन सेकेंड रियलाइज हो गया। तो ये उसका स्टेप हुआ 1 से 8 पे जाने का। सडनली ही न्यू कि मेरा होना मतलब क्या, क्या पॉसिबिलिटीज है। ओ माय गॉड, मेरा होना मतलब मैं यूनिवर्स का अधिकारी हूँ, या ये यूनिवर्स इज लाइक इतना विशाल है, इतनी सारी। सडनली उसकी आंखें खुल गई, थर्ड आई ओपन हो गई एकदम से एंड ही रियलाइज्ड सो मेनी थिंग्स। तो ये फर्क है जिस तरह से हम बाबा के बच्चे सबको ज्ञान दे रहे हैं, वहां रियलाइजेशन नहीं है, वहां पर अभी ज्ञान बांटा जा रहा है, बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। हाँ भाई देखो आप आत्मा ही हो सकते हो ना, आप थोड़ी शरीर हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो, ये बातें देखो, अच्छा अच्छा हाँ ओके ओके अच्छी लगा। बट सडनली उनके बुद्धि के सारे कपाट खुल जाए और उन्हें दिख जाए उनका खुद का स्वरूप, ये अभी नहीं हो रहा है। तो दुनिया में और जो ग्रुप्स बने हैं जो ये बातें कर रहे हैं, उनके पास में नॉलेज इसी रीति से आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। उनको बाबा नहीं पहुंच, उन तक ब्रह्म कुमारी का ज्ञान नहीं पहुंच रहा है या किसी गुरु का ज्ञान नहीं पहुंच रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो। उन तक जो पहुंच रहा है वो है सीधा साक्षात्कार, सीधा डाउनलोड फ्रॉम द अबव, सीधा उनका रियलाइजेशन, ओ माय गॉड ओके आई एम नॉट दिस जो मैं आज तक सोचता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? और वो जो इम्पैक्ट होता है, और इसको बाबा पता है क्या कहता है, अव्यक्त जन्म मिलना। ये जो जन्म मिला है लोगों को, या हम में से भी बहुतों को हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही होता है, बाबा के कई बच्चों को होता है, मुझे भी हुआ था। तो ये जो हमें जन्म मिलता है, ये जन्म बाबा बोलते हैं इस जन्म से निकली हुई आत्माएं को अनुभव है, जो बातें बाबा कह रहे हैं उसका उनको अनुभव है, पहले से अनुभव है, ज्ञान बाद में पहुंच रहा है, रियलाइजेशन पहले हो रहा है या हो गया है, जिसके कारण पक्की पक्की पौध है वो, ठीक है। तो उस दिशा में हम काम करेंगे अब से और समझेंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट डायमेंशन में आते हैं, उसके बाद में जब हम उनका कुछ पुरुषार्थ रहा होगा या मतलब ऐसा गॉड गिफ्टेड टाइप की, क्योंकि उसने बोला कि वो 12 साल में जब था तभी से उसको सब ऐसा पता चलने लगा और सब बैक के जितने उसके जन्म, मतलब उसका पार्ट है। वैसे उसने बोला ना कि किसी का ऐसा पार्ट है, किसी का ऐसा पार्ट है। और न्यूरॉन्स के बारे में बात किया उसने कि पूरे सृष्टि में भी वो कुछ का ही पार्ट वैसा रहा रहेगा, जो कि मेरे सेट एन एग्जांपल, जैसे आज हम एग्जांपल उनका लेके आगे समझ रहे हैं बात। तो इस संस्कृति में एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि ये जो लोग होते हैं जिनको एनलाइटमेंट हो जाता है, उनको हम, मुझे जैसा मुझे लगता है कि वो हमसे ऊंचे हैं, ऐसा लगता है क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आ गया और अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया। दीदी देखिए, ये भी मतलब एक तरह से ये है कि जैसे हम लोगों के लिए, बीके लोगों के लिए ज्ञान से अनुभव हो रहा है और उनके लिए कह सकते हैं कि उनको अनुभव से ज्ञान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एकदम मतलब शून्य पे जा, वो गए तो शून्य पे, लेकिन उस शून्य की स्टेट भी उनके लिए इन्फिनिटी वाली स्टेट है, जहाँ पे उनको मतलब साक्षात्कार से ही सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उनको क्लैरिटी जो मिल रही है वो रियलाइजेशन से मिल रही है, पहले वो समझ रहे हैं ज्ञान को, फिर वो ज्ञान को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ओ दिस इज हाउ लॉज वर्क, वो डिस्कवर कर रहे हैं लॉज को, दे आर नॉट बीइंग टॉट, उनको कोई पढ़ा नहीं रहा है, उनकी डिस्कवरी हो रही है लाइफ की, समझे। हमें तो पढ़ा रहे हैं बाबा जैसे मूल्यों, लेकिन हमें भी समझ तभी आता है जब हमारे साथ में एक अनुभव आता है, बिना अनुभव के हमें समझ नहीं आती है बाबा की बातें।
लेकिन फिर भी चलो एक फर्स्ट हमें पता होता है, हाँ मैं आत्मा हूँ, ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, 84 जन्म है ये वो, फिर भी हमें कॉन्शियस माइंड में रहता है। लेकिन उनका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है तो कॉन्शियस रियलाइज करता है, फॉर्मुलेट करता है, समझता है अच्छा ऐसा हुआ, इसका मतलब सिद्धांत, कर्मों का सिद्धांत ऐसे काम करता है, ओके समय ऐसे काम करता है, ओके ये डायमेंशंस हैं, उनको कोई बैठ, उनको पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको पढ़ाने की विधि स्थूल नहीं है, अलौकिक है। उनको पढ़ाने की विधि अलौकिक है, अव्यक्त है, समझे ये बात, लौकिक नहीं है। ये अव्यक्त कौन पढ़ा रहा है उनको? बहुत सारे काम, नहीं 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 बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज हमारी इतनी एडवांस पार्टी गई भी है, एडवांस पार्टी भी आप छोड़ दीजिए, उनका खुद का संपूर्ण स्वरूप उनको पढ़ा रहा है। ब्रह्मा बाबा को किसने पढ़ाया? उनके संपूर्ण स्वरूप ने बताया कि मैं हूँ, तुम्हें मेरे जैसा बनना है, तुम्हें मुझ में आके मिलना है, राइट? ब्रह्मा बाबा को भी तो होते थे ना साक्षात, वो ऊपर वतन में बैठा रहता था, उनका संपूर्ण स्वरूप, बहुत बार संपूर्ण स्वरूप पढ़ाता है। बाबा ने बोला भी है कब कब बाबा बात करता है, कब बाबा बात करता है और कब संपूर्ण स्वरूप बात करता है, नहीं पता, तुम नहीं पता कर सकते। तो फिर ये तो वही बात होगी ना कृति बहन, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा था कि हमारा ऑलरेडी एक स्वरूप है, उससे हमें अपने आप को अलाइनमेंट करनी है अभी, ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन वो निराकार स्वरूप नहीं है, वो फरिश्ता स्वरूप है जी, वो निराकार में नहीं है, मतलब क्योंकि निराकार तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, आत्मा बिना शरीर के कुछ, हाँ, मतलब एक स्वरूप कोई है हमारा जिसे यहाँ फरिश्ता स्वरूप कह रहे हो सूक्ष्म वतन में, कि हमें जो जो कुछ भी करना है वो ऑलरेडी वहाँ पे है संपूर्ण उसमें, तब तो हम यहाँ से उसको अलाइन करेंगे ना उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम 8 डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे बुद्धि के वो कपाट खुले हैं, जब हमारे सामने आत्मा होने की, स्वयं को मतलब अपने होने की, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैं हूं, आई एम अ बीइंग, ओके सॉरी, आई एम अ बीइंग, मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरा सिर्फ एक पार्ट है, वन सेगमेंट ऑफ माइंड जिसको मैं बॉडी कह रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास में इंट्यूशन है, मेरे पास में मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरे पास में गाइड्स है, मेरे पास में यूनिवर्स है, मेरे पास में और न जाने क्या है, कर्म है, बहुत सारी चीजें, दे आर अनदर फैसेट्स ऑफ माय लिविंग। सिर्फ मेरा एक बॉडी होना या मेरा बॉडी से ही संपूर्ण रिश्ता नहीं है कि मैं हूं और मेरे पास बॉडी है, यही मेरी टोटल लाइफ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे पता चलता है अच्छा बॉडी मेरा व्हीकल है जिसके द्वारा मैं ये अचीव कर रही हूँ, ओके फाइन, मन बुद्धि मेरा ये काम करता है, ओके इसके द्वारा मैं इतना कंट्रोल कर सकती हूँ, इतनी चीजों को पा सकती हूँ या जो भी है इस तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ, ओके ज्ञान जो है वो ये करता है, ओके फाइन। तो ये सारे डायमेंशन, ये सारी रियलिटी उनके सामने आ जाती है, उनकी रियलिटी इज नो मोर जस्ट रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी बिकम्स वन थिंग, एक ही पार्ट, हाँ मेरे पूरे बीइंग का एक पार्ट है बॉडी, बट मेरे पूरे बीइंग के और भी कई सारे पार्ट हैं। जैसे आज बाबा ने बोला बच्चे तुम्हें रियलाइज होता है तुम किसकी संतान हो, मेरा बाबा का संतान होना इसका मेरे बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है, टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है मेरे बीइंग का, ये बात समझ में आ रही है, राइट? मैं चाहे इस बॉडी में रहूं, चाहे दूसरे बॉडी में रहूं, चाहे तीसरे में रहूं, मेरा बाबा का बच्चा होना एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माय बीइंग है, मेरा दैवी कुल की आत्मा होना टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माय बीइंग है, इट हैज नो रिलेशन विद बॉडी, नो रिलेशन एट ऑल, कोई भी शरीर हो सकता था, ये शरीर वो शरीर, हाँ ये भाग्यशाली शरीर है जिसके द्वारा मैं अपने उस एम को पा रही हूँ, लेकिन दिस इज नॉट इट, यही नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए 8 हाथ जो दिखाते हैं उनका मतलब ही यही है, अष्टशक्तियां हम उसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली मेरा बीइंग सिर्फ 2 हाथों पे ही निर्भर नहीं है, मेरे पास और भी शक्तियां हैं, 2 हाथ इस शरीर के ही नहीं है जो मुझे मेरे जो मेरे संपूर्ण स्वरूप को दिखा रहे हैं, 6 हाथ और हैं, समझ में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना
क्या कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा? मैं नहीं देख सकती हूँ कौन अनम्यूट कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बट हर एक की जैसे जर्नी भी अलग है, हर एक का कार्मिक अकाउंट भी अलग है, तो हो सकता है कुछ लोग आगे है कुछ लोग पीछे है, फिर बीच में हमारा एडॉप्शन हुआ है, तो फिर बाबा शक्तियां इमर्ज करके वो हमको रियलाइज कराते हैं एक एक चीज की, तो इसलिए शायद अचानक एनलाइनमेंट नहीं होता है हमको। जो बाकी सोल्स है उनको उनका पार्ट जल्दी भी कंप्लीट करना होगा शायद से। ये तो आप जो उससे मत जाओ, अभी अपना दर्द मत अनुभव करो यहाँ पे, अंडरस्टैंड? उसका भी जवाब आपको मिलेगा, लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूँ वो बात समझ में आई या नहीं आई? दर्द की बात अलग है कि भाई मेरे से मैं लेट आई हूँ या हमारा कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। वो भी आपकी आज की तारीख में, आज की क्लास के बाद वो पूरी स्मैश आउट होने वाली है, रहेगी नहीं। आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट है मैं लेट आई जल्दी आई, ये सब खत्म होने वाला है। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि दिस इज एट्थ डायमेंशन, दिस इज आवर एट्थ डायमेंशन का बीइंग होना। मतलब कृतिबेन शरीर के अलावा मन होना ये अलग हो गया, बुद्धि होना अलग हो गया, संस्कार होना अलग हो गया। हाँ, मन की शक्ति अलग है, बुद्धि की शक्ति अलग है, मेरा शिव बाबा का बच्चा होना इसकी शक्ति अलग है। मेरा बच्चा होना आत्मा में तो ये सब चीजें है ना, बॉडी तो चलो छोड़ो, बॉडी तो एक अलग हो गई चीज, वो तो स्थूल चीज हो गई। आज लेकिन जब के बच्चे बाबा को सबको लेके जाना है, लेकिन सम्मुख तुम ही सुनते हो, बाबा सबको ले जाने के लिए आया है, मुरली में बाबा ने बात कही, बाबा सबको घर ले जाने आया है, लेकिन सम्मुख सिर्फ तुम बच्चे सुनते हो। क्या मतलब है इसका? मेरा शिव बाबा का पहली क्रिएशन होना, मेरे पार्ट में मेरा एक और हाथ जुड़ना हुआ, एक और सहयोगी शक्ति हुई, समझ रहे हो आप इस बात को दीदी? मगर ये ओम शांति दीदी, ओम शांति। हर एक को सेम ही रहते हैं क्या? नहीं, किसी को ये तो आपकी शक्तियां हैं, आप ही रियलाइज करके बताओगे। लेकिन जो जो बाबा का बच्चा है वो अष्टभुजाधारी है, हर एक इंसान की, हर एक आत्मा की आज मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है। क्यों 33 करोड़ का ही गायन है? क्यों 108 की माला है? क्यों अष्टरत्न पूजे जाते हैं? क्यों कृतिबेन बुद्ध की भी तो पूजा हो रही है ना? बुद्ध की कहाँ पूजा हो रही है? क्यों मंदिरों में तो वो... चलो चार आत्माएं और ले लो, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और गुरु नानक, और ले लो और चार, पर उनकी भी देवी देवताओं के स्केल की नहीं हो रही, चलो उनकी भी मान लो। महावीर जी हैं, कितना उनके कितने जो 16-18 तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकर को के भी तो पूजा हो रही है दीदी। मगर बाबा बोलते हैं ना कि हर एक आत्मा की पूजा होगी, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो सब सबकी पूजा होती है। यार ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि हम कहते हैं हम ही पूजते हैं, पर ये तो द्वापर के बाद आए वो भी तो पूज रहे हैं ना भाई। तो कृष्णा बहन आपकी पूजा और उनकी पूजा में कोई फर्क नहीं है क्या? नहीं फर्क नहीं, नहीं वो फर्क ये है कि हम हम आभूषणों से लदे हुए हैं मंदिरों में, और वो तो ऐसे नंगे पुंगे बैठे हुए हैं। आपको कंपैरिजन करने के लिए कौन बोल रहा है? नहीं भाई, कैसे पूजा, आज आप जेएनयू के जाके देखो ना कितनी भीड़ है मंदिरों में। वो किसको पूज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ? महावीर जी को पूज रहे हैं ना, महावीर जी को। अच्छा ठीक है। और अपने 3/4 बुद्ध वाले हैं, कितने जहाँ जिधर जाओ हिमाचल में सारे बौद्ध ही बौद्ध हैं, वो भी पूज रहे हैं। ठीक है छोड़ो, मैं अपने देवी देवताओं की बात कर रही हूँ, आप टोटली डिफरेंट पॉइंट पे चले गए। मतलब उनका अब हमसे कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो उस लेवल की आत्माएं ही नहीं है, वो इतनी प्योरिटी कभी धारण ही नहीं करती कि सत्युग में आ पाए। लेकिन अगर आपको अपने आप को उनसे कंपेयर करना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती ना, ये कंपैरिजन की बीमारी है। हमारे
कोई हमारे सामने हीरे के सामने कोई खड़ा भी ना हो फिर भी हीरा हीरा ही रहेगा. देर इज नो कंपेरिजन ऑफ हीरा उसके सामने. आज के समय में तो बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल पहन रहे हैं तो हाँ बोलेंगे ये भी तो लोग पहन रहे हैं. तो आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो अपनी अपना कंपैरिजन उनके साथ करके. आपकी कोई वैल्यू है नहीं लेकिन क्योंकि आज के समय में हमारे सामने इतने सारे लोग आ गए हैं तो हमें लगता है अच्छा इनकी भी तो हो रही है इनकी भी तो हो रही है तो हम कौन से स्पेशल है. तो आपने अपनी वैल्यू गिरा दी है समझे. हमारी कोई वैल्यू है नहीं. वी आर इनवैल्यूएबल. सत्युग का एक दिन भी नहीं देखते हैं वो लोग. वो इस लायक बनते ही नहीं है कि वो कभी भी सत्युग में पैर रख सकें. लेकिन उसको रियलाइज करने के लिए उस डिफरेंस मतलब डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट तो तब आएगा ना जब हमारे बराबरी में कोई खड़ा हो. मेरे पास 19 है उसके पास 20 है तो हम कंपेयर करें कि भाई हाँ आप ये और हम ये. हमारे देवी देवता कुल की आत्माओं का कोई उनके ना तो सुख का कोई कंपेरिजन है ना उनके उनके बराबरी की कोई इस पूरी दुनिया में आत्माएं हैं. उनका कोई कंपैरिजन नहीं है. स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा है. मतलब आप ये तो सोचने वाली बात है. आज उनको इतने अलंकार दिए जाते हैं क्या अष्टभुजा दारी न जाने क्या क्या. मतलब कंपैरिजन की बात ही नहीं. ये बीमारी है तो इसको हम खत्म कर दें. हमारा कोई कंपैरिजन नहीं. देवी देवता कुल की आत्माओं का पूरी दुनिया से कोई कंपैरिजन नहीं है. बाबा को भाषा बोलनी पड़ती है क्योंकि हमें वो भाषा समझ में आती है. लेकिन अगर आप परमधाम में जाके देखोगे तो जो देवी देवता कुल की आत्माओं की जो चमक है उसके आगे इन आत्माओं की चमक परसेंटेज में भी नहीं है. समझ में आया क्या कह रही हूं मैं. हमें हम जो हैं उसको रियलाइज करने के लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा ना कि अपने आप को इन कंपैरिजन टू समवन देखना पड़ेगा. नहीं कृतिबल समझ में ये आया अभी अभी जब मनन चिंतन किया तो द्वापर से तो हम पूछ रहे हैं ये तो अभी आए हैं ना तो ये कहां हमारे लिए वो होंगे. ये सही बात है होता है पूजा शुरू हो रही है लेकिन उसके पहले आपने जो चीजें देखी है जहां पूजनीय थे मतलब जहां आप द्वापर से तो हम पुजारी बन गए हैं कृष्णा बहन. हम हमारा आधा भी नहीं रहे हैं. 16 कला से 8 कला में आ गए हैं. समझ रहे हो जो हम थे सत्युग में उसके आधे भी नहीं रहे हैं. 8 कला भी सिर्फ ब्रह्मा बाबा की रहती है बाकी सबकी उससे भी कम हो जाती है. अच्छा हाँ तो मतलब हम परसेंटेज में भी नहीं बचे हैं. उस समय में ये लोग आ रहे हैं क्या वो उनका हमसे कंपैरिजन होगा. हो ही नहीं सकता. हम हमारे अधूरे स्वरूप को किसी के संपूर्ण स्वरूप से कंपेयर कर हमारी पूजा कौन कर रहा है. भक्त कर रहे हैं. भक्त वो है जो सत्युग में आते नहीं है. तो क्या हम जीते जाते पूजनीय होते हैं वहां पे चैतन्य होते हैं. बाद में तो भक्त हमारी जड़ चित्रों की पूजा करते हैं तो वो जो जड़ चित्र है वो उसका 50% भी नहीं है उसकी वो पूजा कर रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे कुछ नहीं कह सकते है ना. पहले गौतम बुद्ध आते अपना काम करते धर्म करते हैं इतनी गालियां सुनते हैं इतना उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है इतना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है. फिर वो कुछ करके जाते हैं फिर वो जब मर जाते हैं फिर उनके धर्म की आत्माएं जो पीछे से आई हैं वो उनके गुणगान गाती है. उससे पहले लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या क्या किया. घर छोड़ा जीवन छोड़ा कितना कुछ सुख छोड़ करके ऐसे दुख के माहौल में जाकर के तपस्या करी तब जाकर के उनको कुछ सुख मिला होगा कुछ परसेंट का सुख मिला होगा. वो सुख के बाद में जब वो चले गए धर्म की स्थापना करी तो लोगों ने आकर के उनको प्रेज किया. वर्सेस हम कितना सुख भोग क्या है 2500 साल जो हम आज तपस्या करते हैं उसकी 2500 साल सुख भोगते हैं. और आज की तपस्या और गौतम बुद्ध की तपस्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है. बेचारे ने कितना नंगे पांव घुमाया न जाने क्या क्या किया और हम देखो नाजों में पल रहे हैं. हमारी तो कोई तपस्या ही नहीं है. तो मैं एक बात बता रही हूँ कि जो हमारा मेरे होने का मुझ आत्मा के मैं आत्मा वो आत्मा नहीं जो कि सभी हैं इन जनरल सभी आत्माओं की बात कर रही हूँ. नहीं मुझ देवता कुल के शिव बाबा की डायरेक्ट संतान होने की जो अनेक शक्तियां हैं उन शक्तियों का भान होना 8th डायमेंशन है.
समझ में आ जाना, मेरा होना मतलब क्या, मेरे कहने मतलब, चिंतन चिंतन तो हम करें ठीक है हम, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार एक बार में समझ में आए, लेकिन एक बार को बैठ के सोचें मुझ आत्मा प्रकृति अधीन होना, पूरी दुनिया मतलब मेरा मेरा होना ही योगी होना कहलाना, मेरा होना ही पूजनीय होना कहलाना, मेरा होना मना परफेक्शन का एम्बॉडीमेंट, नॉट लाइक कि मैं स्ट्राइव कर रही हूँ परफेक्शन का। आज हम बन रहे हैं ब्राह्मण कुल में, हम परफेक्ट बन रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं आत्मा देवता बन के धरती पर उतरूंगी, उस दिन दुनिया की हर एक चीज मुझसे कंपेयर की जाएगी, बोली जाएगी अच्छा परफेक्ट देखना है तो इन देवी देवताओं को देखो, इतने परफेक्ट है लक्ष्मी नारायण कि उनकी कहानी नहीं पता लोगों को कि वो कैसे लक्ष्मी नारायण बने, कुछ नहीं पता, पालनहार के रूप नाम में जाने गए वो नारायण, क्या उन्होंने किया, इतनी शक्तियां उनके पास कहां से है किसी को नहीं पता। तो परफेक्शन इज व्हाट, आप लोगों लक्ष्मी को देखो, आज बाबा ने बोला ना नारायण को काला बनाया तो लक्ष्मी को क्यों नहीं बनाया, है ना क्वेश्चन था ना मुरली में कि नारायण को तो काला दिखाते हैं पर लक्ष्मी को क्यों नहीं काला दिखाते हैं, कामचिता पे तो वो भी चढ़ी है। तो जो परफेक्शन है वो परफेक्शन मुझसे डिफाइन हो रहा है दुनिया में, मैं इस पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बन गई हूँ। अच्छा हंसना देखना है तो देखो ये देवी देवताएं कैसे हंसते हैं, चलना सीखना है देखो देवी देवताएं कैसे चलते हैं, बोलना सीखना है तो देखो देवी देवताएं कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं क्या खाते हैं। तो हम मतलब हम वो बनते हैं जो पूरी दुनिया को सिखाते हैं कि आप डिविनिटी डिवाइन कैसे रह सकते हो, समझे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीन। नारायण को काला दिखाया, लक्ष्मी को नहीं दिखाया, मींस लक्ष्मी इज सिंपल, कंपैरिजन करना है तो लक्ष्मी से कंपेयर करो, ऐसा ये मेरे को मॉर्निंग में मुझे भी आया था कि उनको उसको कभी तो बोलते, कभी ये क्यों नहीं बोलते कि हम नारायण को वरेंगे, बोलते लक्ष्मी को वरेंगे। यस कभी भी नहीं कि मैं लायक हूं कि मैं नारायण को वर लूं, नहीं लक्ष्मी, क्योंकि वहां लक्ष्मी का राज मतलब नारायण का राज्य है, लेकिन जो चलती है बातें वो लक्ष्मी की चलती है। और लक्ष्य भी लक्ष्मी से होगा ना, लक्ष्य भी। हाँ वो फिर दूसरी बात पे चले गया गीता बना। तो ठीक है, तो बेसिकली एट डायमेंशन में होना मतलब मेरे को मेरे होने के पोटेंशियल को समझ पाना कि मेरा होना मतलब क्या। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस जहान के नूर हो, तुम अगर कंफ्यूज होंगे तो तुम्हारे पीछे वंशावली का क्या होगा। तो मेरा होना मतलब क्या उसको समझना इज एट डायमेंशन। अब ये बात समझ में हो सकता है, हमें आज नहीं पता ये थर्ड पॉइंट क्या है, ये क्या हो सकता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, क्या हो सकता है, हो सकता है मुझे नहीं पता, इट्स ओके। लेकिन अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को काया कल्प तरु डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैं समझ पाऊं, मतलब ओपन हो जाऊं कि मेरा होना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं शरीर से जानी जा रही हूँ, या मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ इससे जानी जा रही हूँ, या मैं अपने इस बैच से जानी जा रही हूँ, या अपने पहनावे से जानी जा रही हूँ, नहीं आई एम बिगर देन दिस। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है मेरे बीइंग का, मेरे ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है। तो ये एक टाइम जब इस लेवल की सोच हम रख मतलब सोच नहीं रखते, हम अनुभव कर पा रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं कि मेरा होना मतलब क्या, तो हम एट डायमेंशन में ऑपरेट कर रहे हैं। एक सेकंड, एक आत्मा का होता है कि हम समझ करके चिंतन करके पहुंच रहे हैं वहां पर, ठीक है। पर कुछ आत्माएं होती हैं जिनको ये बात डे वन पे पता चल जाती है, किसी आत्मा को डे नाइन पे पता चलती है, डजंट मैटर। लेकिन पॉइंट इज ये जो फ्लो है, ये फ्लो वो है जहां पर हम अव्यक्त पालना के द्वारा
इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है वो बात की बात है, लेकिन हम जो डायरेक्शन हमें मिल रहे हैं वो हमें अव्यक्त पालना मिल रही है, हमें अलौकिक पालना मिल रही है, हमें इस दुनिया से अलग हटकर के इस समय और कई सारी रचनाओं के परे से पालना मिल रही है। तो हम फर्स्ट से एट्थ में गए, एट्थ मतलब की पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग, के मेरा होने का मतलब क्या, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, इस घर में बैठी हूँ या इस घर में बैठा हूँ, यहाँ मेरे होने का मतलब क्या है, क्या शांति। हाँ, मुस्लिम लोग भी कहते हैं ना कि आठवें तल्ले पे परिस्तान है, ऐसा है क्या? हाँ, बोलते हैं कि आठवें तल्ले पे परिस्तान है। अच्छा, हो सकता है। तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एट्थ डायमेंशन में ही हमारा सत्य होगा, तो ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद में हम एट्थ से चलते हैं सेवेंथ पे। अब मैंने समझा कि मैं ये वाओ, मैं ये हो सकती हूँ, मतलब मैं वो हो सकती हूँ जिसके संकल्प मात्र से चीजें चलने लग जाएं। मैं वो शक्ति हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं मतलब जो भी मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, जो भी बहुत सारी बातें होती है, वो मैंने किया। नाउ सेवेंथ डायमेंशन इज जहां पर मैंने अपने उस रोल को, जो मैंने अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स, जितने सारे जो हमने एस्पेक्ट देखे थे, 10-12 जो भी हमने देखे थे यहाँ पर, 6 इस एस्पेक्ट में से मैंने एक एस्पेक्ट को पकड़ लिया और उस एस्पेक्ट को लेकर के मैंने उसको, अब मैंने उसको फील किया, ओके आज मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ या आज मैं इसको धारण कर रही हूँ, तो यहाँ मेरी धारणा हो रही है कि मैं आज मैं ये हूँ, ठीक है, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। प्रेम का सागर होने का मतलब लिमिटलेस बाउंडलेस प्रेम, कोई हद नहीं है। तो और मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ और मैं मास्टर सुख का सागर हूँ। हमें ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ बातें हैं, बट ये जो स्वमान है ये बेहद के स्वमान है, बेहद मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब कि उसकी कोई अमूल्य स्वमान है बेसिकली। लेकिन जब मैंने इस चीज को अनुभव किया, मतलब जब मैंने एकदम से मुझे अनुभव हुआ, ओ प्रेम का सागर, मतलब मास्टर प्रेम का सागर होना मतलब ये, ओके फाइन, ओ मास्टर ज्ञान का सागर होना मतलब ये, और ये बॉम्ब की तरह गिरा मेरे पे। मैंने इसको पाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जब मुझे फल मिला तो ये बॉम्ब के रूप में, साक्षात्कार के रूप में मिल गया, या बाबा ने एकदम से टचिंग दे दी, या बाबा ने एकदम से सकाश दे दिया, या एकदम से कपाट खुल गए हमारे बुद्धि के, तो मुझे दिखा अच्छा अच्छा ये ऑप्शन है, तो आज मैं इस पर काम करूंगी। तो मैंने अपनी धारणा पे ध्यान दिया कि मैं आज इसको धारण करूंगी, प्रेम स्वरूप। मैंने फील किया कि मुझे आज मास्टर प्रेम का स्वरूप होना है, ठीक है, तो मैंने उसको फील किया और मैं आई एम जो वो, जो मैंने सोचा था वो मैं बनी। तो मैं सेव, तो मैं कौन से डायमेंशन में हूँ, सेवेंथ डायमेंशन में हूँ। ये बात समझ में आ रही है? कुछ भी अगर आपको लगे तो आप मुझे रोक देना, ठीक है। तो ये एट्थ डायमेंशन में हमें क्या समझा, पॉसिबिलिटीज, एंड नाइन्थ सेवेंथ डायमेंशन में, नहीं नाइन्थ डायमेंशन में पॉसिबिलिटी, अच्छा नहीं नाइन्थ में तो हम गए नहीं दीदी, बीइंग व्हाट, ओके, एंड एट्थ में पॉसिबिलिटीज एंड सेवेंथ में बीइंग व्हाट आई एनविजन्ड, मतलब मैंने जो, मैं इतनी सारी चीजें जो मैंने देखी थी, जैसे मान लो आप मेरे चारों तरफ अलग अलग दुनिया खुल गई है, एक में मैं प्रेम स्वरूप हूँ, एक में मतलब प्रेम स्वरूप, मतलब प्रेम स्वरूप मतलब क्या, प्रेम मुझसे डिफाइन हो रहा है, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम मतलब क्या, दुनिया में अगर बोले, अगर अच्छा तुमको प्रेम देखना है तो तुम इनको देखो, मुझसे डिफाइन हो रहा है वो, मैं उससे डिफाइन नहीं हो रही हूँ, वो मुझसे डिफाइन हो रहा है, उसका मतलब होता है एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सत्यता, अच्छा तुम्हें करेज देखना है, इस आत्मा को देखो, क्योंकि करेज देखने की चीज नहीं है, वो कर्मों में दिखती है या होने में दिखती है। ऑल द गुण, ऑल द शक्ति जो इनविजिबल है, दिख नहीं रहे, वो सेवेंथ में हो जाएंगे? नहीं, वो सेवेंथ में नहीं होंगे, वो कैसे सेवेंथ में, उनका कोई डायमेंशन नहीं, उनकी धारणा मेरे अंदर इज इन द सेवेंथ डायमेंशन। हाँ, धारणा मतलब वो नहीं, पुरुषार्थ वाली धारणा, धारणा मतलब हो जाना, मैं अब मैं हो ही हूँ, हाँ, मतलब अब मुझे उसको बनना नहीं पड़ रहा, अब मास्टर, अब प्रेम होना क्या होता है, दुनिया का कोई भी इंसान को अगर प्रेम समझना है, किसी भी
परसेप्शन से वो आ रही है, किसी भी नजरिए से आ रही है, किसी भी ट्रॉमा के साथ आ रही है, किसी भी परिस्थिति को लेके आ रही है, किसी भी तरह के पास्ट को लेके आ रही है, किसी भी तरह के फिल्टर को लेकर आ रही है, फिर भी जब वो मुझे देखती है तो उसको समझ आता है प्रेम ये है. ओ दिस इज व्हाट वी कॉल लव. हर एक आत्मा के लिए वैलिड हो जाना इज माय मेरा स्वरूप हो जाना. समझ में आया? ना कि सिर्फ इनको देखो मेरे अंदर प्रेम है और इनको नहीं दिख रहा. सबके लिए हो जाना वो मैं प्रेम. तो वो प्रेम, मास्टर प्रेम का सागर या मास्टर ज्ञान का सागर, जो भी हम बोले. तो ये हो गया बीइंग व्हाट आई एनविजन. मतलब मैं इतना कुछ हो सकती थी लेकिन मैंने अभी एक डिसाइड किया कि ये मैं आज मैं इस पे काम करने वाली हूँ, या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. मैंने सोच लिया ठीक है. सेवन डायमेंशन हुआ. सिक्स डायमेंशन पे हम जब आते हैं तो उसमें बोला जाता है कि अच्छा अब जब मैंने ये कर लिया, मैं इसकी एम्बॉडी हो गई, तो अब मैं क्रिएट कर रही हूँ. अब मैं उस एम्बॉडीमेंट को, अब मैंने जब अपने अंदर प्रेम, मैं हो गई हूँ प्रेम. मैं और प्रेम कुछ अलग नहीं है, सेम थिंग. चाहे कृति बोलो चाहे प्रेम बोलो, बात बराबर है. जैसे राधा बोलो या समर्पण बोलो, बात बराबर है. क्या बोलते ना, कृष्ण बोलो या सुंदरता बोलो, या और कृष्ण का मतलब ही आकर्षण मूर्त होता है. तो कृष्ण बोलो या संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बोलो, बात एक ही है, एक ही चीज है. 16 कला कृष्ण से डिफाइन हो रही है. तो जब मैं वो हो गई, जब मैं एम्बॉडीमेंट हो गई, मैंने डिसाइड कर लिया, तो अब जब मैं उस प्रेम के, मतलब मैं प्रेम हो करके जो कर्तव्य कर रही हूँ, जो क्रिएशन कर रही हूँ, आई एम फ्री टू क्रिएट, तो वो है सिक्स्थ डायमेंशन. ये बात समझ में आई? जब मैं प्रेम हो गई हूँ तो मैं अब क्या, मतलब मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ. अच्छा, वो है सिक्स. हाँ बोलिए. ऑटोमेटिकली वही निकलेगा, राइट? हाँ ऑटोमेटिकली वही निकलेगा, बट वो क्रिएशन की तरफ जाए. एट में हर चीज की पॉसिबिलिटीज है, सेवेंथ में एक चीज का स्वरूप हो गया, और सिक्स्थ में वो चीज मुझसे दिखने लग गई. नहीं, उससे कर्तव्य होने लगे. पर ये भी इसमें कर्तव्य है, ये स्थूल कर्तव्य नहीं है, सूक्ष्म कर्तव्य. इधर ये जो है सिक्स्थ डायमेंशन जो है, ये फरिश्तों का डायमेंशन है. यहाँ पर अभी तक थर्ड डायमेंशन या उसकी रियलिटी कुछ भी अभी आई नहीं है. ये सिर्फ अभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ है. मैनिफेस्ट हो रहा है लेकिन सूक्ष्म में हो रहा है. स्थूलता अभी आई नहीं है, अभी हम स्थूल जगत में पहुंचे ही नहीं है. ये सब कुछ सूक्ष्म में चल रहा है, सब कुछ. समझ में आया? तो एट डायमेंशन में, एट डायमेंशन को आप इस तरह से समझिए, योग हो जाया करे ना. तो एट डायमेंशन को आप इस तरह से समझिए कि ये मैं हूं, मुझे एक यूनिवर्स दिख रहा है जहां पर मैं प्रेम हूं. एक यूनिवर्स दिख रहा है जहां पर मैं सुख हूं. एक यूनिवर्स दिख रहा है जहां पर मैं सत्यता हूं, या जो भी आप बोलना चाहें, जो भी आपको दिख रहे हैं अलग अलग. और उस जगत के, मतलब ये जगत, ये यूनिवर्स दिख रहा है आपको. इट इज नॉट जस्ट वन थिंग. एक यूनिवर्स जो दिख रहा है, उस यूनिवर्स की आपको, मतलब उस यूनिवर्स को आप अपनी तरफ कॉल कर रहे हो. कॉल कर रहे हो मतलब, अब ये थोड़ा समझना ट्रिकी है. एक ऐसा सोचिए कि आप एक खाली कमरे में खड़े हो और आपके पास में बहुत सारा, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है. आप खाली कमरे में खड़े हो और आपके पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है. उस कंप्यूटर से आप जो भी प्रोग्राम को कॉल करते हो वो आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर आ जाता है. ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, वो उस पर प्रोजेक्ट होने लग जाता है उस कंप्यूटर से, ठीक है. और इस कंप्यूटर को आप एक्सेस कर रहे हो तो आप सोच रहे हो अच्छा वो वर्ल्ड जो संपूर्ण प्रेम से भरा होगा वो कैसा होगा. तो वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप उसको देख पाओगे. फिर अच्छा मेरा, सपोज करो, एकदम बहुत लेमन बात करो, मेरा प्रेम होने का मतलब क्या है, मतलब मेरा प्रेम होना मतलब क्या. तो वो आपको सारे दृश्य दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा. अच्छा वो जगत ऐसा है. फिर आप सोचो कि मेरा विश्व का राजा होने का मतलब क्या.
आपने सोचा कि मेरा विश्व का राजा होने का मतलब क्या, कैसा फील होगा, तो आप वो यूनिवर्स कॉल हो जाएगा जहां पर आप विश्व के राजा हो, और आपको फीलिंग आएगी कि किस तरीके से मेरा विश्व का राजा, मतलब मेरे अंदर क्या संकल्प चलेंगे, मुझे क्या अनुभव होगा, मेरे आसपास किस तरह के लोग होंगे एंड ऑल दैट। तो अब आप जो फील करना चाहते हो, जिस तरह का जीवन फील करना चाहते हो, जिस तरह की चीजों को फील करना चाहते हो, वो एट योर डिस्पोजल है। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिखाया था वो ये, अब मैं इसको आप ये जो आज जो हम फिलोसॉफिकल लेवल पे बात कर रहे हैं उसको मैं आपको उससे ऐड कर रही हूँ कि एक्चुअल में स्थूल जगत, जो हमारा सूक्ष्म जगत, नहीं सॉरी, हमारा जो सूक्ष्म जगत है उसमें कैसे ये काम हो रहा है, मतलब लॉजिस्टिक्स भी मैं आपको बता रही हूँ। लॉजिस्टिक्स मतलब कि ये कहने में तो ये हो रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, दिखेगा कैसे, तो वो बता रही हूँ। तो अगर आपने सपोज कहा कि मुझे, जो एग्जाम्पल इस वाली सीरीज में दिया था वो ये बोला था, सपोज करो मुझे जानना है कि एक मधुमक्खी होना कैसा होता है। उसने बोला, जो भाई इस 8th डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा था उस समय में, उसने बोला कि मुझे ये जानना है कि मधुमक्खी होना क्या होता है, एक एक बी होना क्या होता है। तो सडनली वो अपने आप को उस बी के अंदर देख पा रहा था, जो बी थी और वो, सॉरी मेरी ड्रॉइंग को, उस बी के अंदर अपने आप को देख पा रहा था, और देख करके वो पूरा अनुभव कर पा रहा था कि कितने बड़े बड़े आपको, मतलब आपकी बुद्धि इतनी सक्षम है कि वो आपको ये दिखा रही है कि अच्छा वो फूल कितने बड़े बड़े होंगे जिसके आसपास आप घूम रहे होंगे, आपको कैसी खुशबू आ रही होगी जब आप उनके पास जाओगे, कौन सा फूल आपको आकर्षित कर रहा है, कौन सा फूल आपको आकर्षित नहीं कर रहा है, और आपके मन में क्या चल रहा है। तो उसने बोला, उसने अनुभव किया कि मेरे मन में सिर्फ ये चल रहा है कि मुझे क्वीन बी, हमेशा जो भी बीज होती है, जो भी मधुमक्खियां होती है, छोटी मधुमक्खियां, वो बड़ी मधुमक्खी के लिए काम कर रही होती है, जो वो पूरा छत्ता भी बनता है, वो छत्ता हमेशा बड़ी मधुमक्खी के लिए बनता है जिसको क्वीन बी कहते हैं, और इसलिए ये बहुत बड़ा वर्ड, मतलब दुनिया में क्वीन बी नाम का शब्द बहुत यूज भी किया जाता है, क्या यू आर एक्टिंग लाइक अ क्वीन बी, मतलब आप सबको अपने हिसाब से चला रहे हो। तो जो पूरा मक्खियों का झुंड होता है, ये सिर्फ मधुमक्खियों में नहीं देखा जाता, ये एंट्स में भी देखा जाता है, बीज में भी देखा जाता है। तो उनकी जो पूरी एंटायर फैमिली होती है वो सिर्फ क्वीन बी के लिए छत्ता क्रिएट करने में लगी होती है, और क्वीन बी के होने वाले बच्चों के लिए शहद इकट्ठा करने के लिए लगी होती है, क्योंकि क्वीन बी बहुत थोड़े समय में बहुत सारे अंडे देने वाली होती है। तो इस छत्ते के अंदर बहुत सारे अंडे आते हैं, और फिर उनको क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, कोटिंग होगी पूरा, वो उसके लिए बाकी सारी वर्कर बीज, जिनको वर्कर बीज कहते हैं, वो पूरे समय काम करती रहती है, इकट्ठा करके लाके यहाँ बढ़ती है, इकट्ठा करके लाके यहाँ बढ़ती है, समझ में आया। तो अगर मैं एक बी हूँ, मतलब अगर मैं एक वर्कर बी हूँ, तो मेरे अंदर क्या संकल्प चलेंगे, मतलब उस इंसान के अंदर क्या संकल्प चलेंगे। तो उसने बताया कि मैं ऑलमोस्ट हर समय ये सोच रहा होता कि मैं लॉयल हूँ क्वीन बी के, मुझे क्वीन बी के लिए ये करना है, मुझे क्वीन बी के लिए वो करना है, ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, आज रात तक इतना कर लेना है, ऐसे ऐसे संकल्प उसके दिमाग में आ रहे थे। तो उसकी बुद्धि की जो शक्ति थी वो उसको कंप्लीट अनुभव करा रही थी कि एक वर्कर बी होना क्या होता है। तो सडनली वर्कर बी होने वाला यूनिवर्स उसके सामने कंप्लीटली ओपन हो गया एट हिज डिमांड। जब उसने बोला तो उसके लिए यूनिवर्स ने, उसकी बुद्धि ने उसको वो अनुभव करा दिया बुद्धि के विमान में। समझे ये बात कृति बहन? हाँ। क्या इसी को कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे? नहीं दीदी, बहुत लूज कनेक्शन है ये, थोड़ा अच्छा। और हाँ। और किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बाबा ने कहा है बुद्धि आपका ऐसा विमान है जो आपको जो चाहो वो अनुभव करा सकती है। और ये बातें योग में कैसे आती है वो भी हम समझेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में, पर अभी बताइए किसी को कुछ डाउट है या आगे बढ़े। तो इसमें मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं बी हूँ वैसा फीलिंग, कि मतलब मैं मेरे और बी में कोई फर्क नहीं, मतलब मैं बी हूँ, बी मैं हूँ, ऐसा। हाँ, आप बी हो बस, यू आर नॉट संदीप एनीमोर, यू आर बी। आप बी के दिमाग में क्या चल रहा था वो सब आपके दिमाग में चलेगा। सडनली यू आर अ बी एंड आप किसी फैमिली के मेंबर हो गए और आपको अनुभव हो रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए मुझे, मैं किसके प्रति ये काम कर रहा हूँ, वो पूरा आपको समझ आ रहा है। okay, तो इसमें okay. वो सोच नहीं रहा है बैठ करके ये होना क्या होता है, वो अनुभव कर रहा है भी होना क्या होता है।
इट इज एट योर डिस्पोजल. कृतिबेन ये जो अनुभव कर रहा है वो सूक्ष्म में कर रहा है, लेकिन स्थूलता का अनुभव कर रहे हैं सूक्ष्म में, ऐसा? हाँ, कंप्लीट लिविंग लाइक दैट. ये और ये मतलब ये और ये एक ड्रग को इस्तेमाल करके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जा चुका है. उसके लिए सडनली 8 डायमेंशन ओपन हो गया है जहां पर वो ये सब चीजें अनुभव कर सकता है. वो शायद इसके साथ ही ड्रीम के लिए कह रहे थे, शायद ड्रीम में जैसे हम रियल अनुभव करते हैं. नहीं, वो दूसरा डायमेंशन है. अच्छा. लेकिन हाँ, तो डायमेंशन ट्रेवल करते हैं हम ड्रीम में. डायमेंशन ट्रेवल करना मतलब क्या, शक्तियां जो आज थर्ड डायमेंशन में हमारे पास शक्तियां हैं वो लिमिटेड है. 8 डायमेंशन की शक्ति देखो सडनली कितनी बढ़ गई है. वहां पर हमारे पास अलग शक्तियां हैं. अब यहाँ पर क्या समय, अगर वो 2 घंटे भी होना अनुभव कर लेगा तो जब वो यहाँ जहाँ अनुभव कर रहा है वहां कितना समय गुजरा, उसने कितना समय किया, देर इज नो कनेक्शन. और बी, एक बी समय को कैसे अनुभव करती है, वो थोड़ी बैठ के घड़ी देख रही होती है, अच्छा 12 बज रहा है या 2 बज रहा है. बी समय को कैसे अनुभव करती है बताइए. हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम कभी भी एक्यूरेटली नहीं बता सकते. हम अपनी बुद्धि से, अपने कंडीशन्ड माइंड से सोच सकते हैं, अच्छा समय बी के लिए समय कैसे चलेगा, राइट? डे एंड नाइट के हिसाब से ये आप सोच रहे हो ना, आप अनुभव थोड़ी कर रहे हो. okay. ये हम लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हैं. बुद्धि का काम सिर्फ सोचने से कई ज्यादा बड़ा है. बुद्धि आपको प्रत्यक्ष अनुभव करा सकती है. अगर आप 8 डायमेंशन में होते ना तो आप तुरंत आपको पता चल जाता बी होने का मतलब क्या है, मतलब बी समय को कैसे देखती है, तुरंत आपको पता चलता. समय को देखती भी है या नहीं देखती है, क्या पता सीजन देखती है, समय देखती ही नहीं है. प्रकृतिबेन क्या हम 8th डायमेंशन में भी पहुंच करके हम 3rd डायमेंशन की चीजों को सोचेंगे क्या वहां पे? 3rd डायमेंशन इज व्हाट, कर्म जगत. हाँ, अरे कर्म तो यही हो रहे हैं, कर्म तो यही हो रहे हैं. सोचेंगे आज अगर आप सत्युग के बारे में भी सोचते हो तो वो भी इस धरती पर ही है ना. यहाँ पर तो हम सब कुछ ही कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्थूल को भी अनुभव कर रहे हैं, सूक्ष्म को भी अनुभव कर रहे हैं. लेकिन अगर हम सूक्ष्म में जाते हैं तो क्या वहां पर हम स्थूल को अनुभव करेंगे? बट हम कभी तो ये बोलते हैं कि वी आर बियॉन्ड दिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड सॉरी. लेकिन वही तो मैं बोल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड बीइंग ग्राउंडेड. अगर आप कहीं पर भी चले जाओ, कर्म भूमि तो स्थूल ही है. कुछ भी कर रहे हो उसका जो रिजल्ट, असूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. चलो वहां मिल रही हैं फरिश्ते, वहां मिल रहे हैं, सेवा करे कर, लेकिन वो सारी सेवा चल कहां रही है, धरती पर चल रही है. परिवर्तन किसका हो रहा है, धरती का हो रहा है, स्थूल जगत का हो. तो आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी डायमेंशन में चले जाओ, कर्म सारे इस जगत में हो रहे हैं. स्थूल जगत इज द प्लेस जहां मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो मंच है जहां हमें आकर अपना किरदार प्ले करना है. अब वो अलग बात है, आप कौन सा स्थिति लेकर आ रहे हो. यू हैव टू वी हैव टू बी ग्राउंडेड इन दिस वर्ल्ड, नहीं तो हम हमेशा भटकते रहेंगे. ग्राउंडेड से मतलब क्या है हमारा? मतलब हमें इस धरती की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. ये धरती है जहां पर कर्म हो रहे हैं, ये स्थूल जगत है जहां पर कर्म हो रहे हैं. हमें बुद्धि से पार जाना है, लेकिन हम पार जा भी रहे हैं तो सत्युग को ला कहां रहे हैं, इसी धरती पे ला रहे हैं ना. कोई नई चीज तो क्रिएट नहीं होती, तो कर्म भूमि को थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कर्म भूमि पे ही ये सारी शक्तियां मिल करके एक जगत क्रिएट कर रही हैं, कर्म कर रही हैं. आज जो ट्रांसेंड जो सॉरी ये असेंडेड मास्टर्स जो होते हैं, जो करते हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची सिद्धियां प्राप्त किया है, शरीर भी निर्धारण करते हैं, वो भी ऊपर बैठ करके धरती का ही कल्याण कर रहे होते हैं. कहां जाएंगे, कर्म तो यही करेंगे. ऊपर बैठे बैठे क्या करेंगे. आज ब्रह्मा बाबा भी ऊपर बैठे, तो ऊपर बैठे तो थोड़ी अब आराम हो गया है उनका. कर्म तो सारे यहीं के लिए कर रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं, टचिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि काम तो धरती पर ही चल रहा है, मतलब स्थूल जगत में ही चल रहा है.
समझे? ओके वी कांट एस्केप दिस, इसको हम बेटर बना सकते हैं, हमारी सोच से इस स्थूल जगत का हम कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हम सोचे हम स्थूल जगत छोड़ के चले जाएं, हम कहाँ जाएंगे? देयर इज नो प्लेस टू गो, परम धाम में मेरा होना नहीं होना बराबर है, वहां कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां मुझे मेरे होने का भी पता नहीं है, कर्म क्षेत्र स्थूल जगत है। तो अगर आज कोई इंसान 8th डायमेंशन में भी जाता है तभी भी उसको अगर कुछ भी एक्सपीरियंस करना है तो वो स्थूल की चीजों को ही करेगा। इस धरती पर देवी देवता होकर गए हैं, पार्ट प्ले करके गए, तो हम आज उनको अनुभव कर पा रहे हैं। वो मेमोरी है वो कर पा रहे हैं, समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर हम करेंगे जब हम थोड़ा चक्रास के ऊपर करेंगे बाबा की के साथ। इसीलिए कृति बहन मतलब मुझे मतलब ये एक मतलब किसी ने प्रैक्टिस एक बार कराया था मुझे कि जैसे जो लोग मेडिटेशन चक्रास से रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं ना, तो जो हमारा रूट चक्रा होता है और जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, जो क्राउन चक्रा है वो हमारा परम धाम डिनोट करते हैं वो, और जो रूट चक्र है वो अर्थ को डिनोट करते हैं, ठीक है? तो वो ये वो फिर क्या करते हैं कि लास्ट में जब वो मतलब कंप्लीट मेडिटेशन होता है तो उसमें कुछ एक ऐसा म्यूजिक और ऐसा मतलब वो पीछे से कमेंट्री देते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, मतलब रूट टू क्राउन एंड क्राउन टू रूट, मतलब सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए मैं, रूट रूटेड तो वो भी शायद इसीलिए करते होंगे क्योंकि जो हम वहां पर जो भी कुछ हम वहां जाकर के कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो भी है वो यहीं के लिए करना चाह रहे हैं, अर्थ के लिए ही। आप अपनी पवित्रता लेकर के कहाँ जाओगे? जहां स्टेज पर उसको इस्तेमाल करना है वो तो धरती ही है, यही आना पड़ेगा, देवी देवताओं को भी यही आना पड़ता है। करेक्ट, बस ये हमारी कर्म भूमि है, कुछ भी कर्म करें हम चाहे सांस भी लें, कर्म भूमि स्थूल जगत ही है। तो जब हम जब इससे भागने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस रहता है, इसलिए हम कहते हैं वी आर नॉट रूटेड इन दिस रियलिटी। ये रियलिटी है, ये सत्य है, आज जो भी हम फेस कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सत्य है। उसको न स्वीकार करके किसी और समय की कल्पना करना कि मैं वहां होती, काश मैं वहां होती, काश मैं ये कर रहा होता, काश मैं वो कर रहा होता, मीनिंग आप ग्राउंडेड नहीं हो अपने टास्क में, क्योंकि जहां आप हो वही आपको करना है, वही आपका कर्म क्षेत्र है। पतंग भी अगर डोर से अलग हो जाती है तो उसकी दिशा दिशाहीन हो जाती है, वो उड़ना भी है पर जुड़े भी रहना है। प्रतिबिंब इसका मतलब हमारे जो क्वालिटीज है, पावर्स है, उसका इंपॉर्टेंस यही पता चलता है। बिल्कुल, तभी तो यहाँ कर्मों का सिद्धांत है ना सूक्ष्म। अब वही आप क्वेश्चन वही है, आगे चल के हम अब आपको पूछूंगी 8th डायमेंशन में कर्मों का सिद्धांत काम कर रहा है क्या, 6th में कर रहा है, 5th में कर रहा है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जहाँ कर रहा है, हम चाहे जिस भी डायमेंशन में करें, क्या 8th डायमेंशन में किया, आप जब इस भाई ने जब अपने आप को भी अनुभव किया तो कर्म किया, राइट? तो ये कर्म इसका क्या फल होगा, क्या फल होगा या नहीं होगा, क्या होगा? दीदी इसका मतलब क्या, जो हम किसी भी काम के लिए जो पछताते हैं, पछतावा होते हैं, होता है या दिलचस्त होता है, तो ये क्या गलत है? ये बहुत ग्रैनुलर लेवल पे आप प्रश्न पूछ रहे हो, पहले आप अपने ही प्रॉब्लम को समझो, थोड़ा और गहराई में जाओ, ठीक है, फिर बताओ कि गलत है या सही है ये। तो जो हाँ मेरे ही जैसे मन में चलता रहता ना कि काश ऐसा कर लेती, यहाँ नहीं होती तो मैं ये होती। तो आप ग्राउंडेड हो रियलिटी में, सच में आप ग्राउंडेड नहीं हो, यही सच है, जहाँ आप हो वही सच है। तो आप ना इधर के हो ना उधर के हो,
तो आप जो भी कर रहे हो व्यर्थ जा रहा है, हर पल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि जहाँ आप हो वही आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको बाबा कहते हैं ना, बाबा जहाँ बिठाए, जहाँ बाबा जो खिलाए, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा पनिशमेंट दे रहा है या हमारी वाज या नहीं हमें तो यही रहना है। नहीं, बाबा जहाँ बिठाए मतलब बाबा जहाँ आपको जड़, अब देखो ग्राउंडेड होने का मतलब क्या, अपनी रूट्स कहाँ फैला रहे हो। बिना रूट के कभी भी ट्री ग्रो नहीं कर सकता है। अगर आपने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा ट्री को ग्रो कर दिया, रूट नहीं है तो वो गिर जाएगा, समझे? यस, या तो रूट्स भी उतनी ही जरूरी है जितना ट्री का ऊपर का साइज जरूरी है। पर हम सब ऊपर के साइज को देखते रहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसका पोषण उसे कहां से मिल रहा है, जड़ों से मिल रहा है। अगर जड़ नहीं होगी तो ये पेड़ ज्यादा समय नहीं चलेगा, गिर जाएगा, तूफान आएगा, गिर जाएगा। तो हो सकता है माल न्यूट्रिशन के कारण खत्म हो जाए, जड़े ही नहीं है, ग्रो ही नहीं करी जड़े। समझे? तो ये हो जाता, वो हो जाता, ये सब ये बहुत फीलिंग। अभी कुछ दिनों से ला रहे थे, क्यों मैं वहां से स्वीडन से आई या अभी स्टेबल हो गई हूं। अभी मैं जब ये भी माया है, ये भी माया है जो आपको एक जगह टिकने नहीं देती है, वो आपको यहाँ से उड़ाई। योग भी नहीं लग रहा था कि वहां से इतना सब छोड़ के यहाँ आए तो बहुत तकलीफ हो रही। आज बाद भी बहुत शांति लग रहा है, मन को बहुत शांति सुकून मिल रहा है। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो कुछ भी हम करें, किसी भी दिशा में आप कर्म कर लो, उसका फल इस कर्म भूमि में ही हमको मिलना है। इसलिए हमें याद हो, आपको पहले भी बाबा ने ये बात क्लियर किया था कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, हमें लग रहा है, रात्रि क्लास में ये बात हुई थी, हमें लग रहा है मुक्ति को पा रहे हैं, हम कभी मुक्ति को नहीं पा सकते। हमें वापस आना है इस जगत में, जो हमने कर्म किया है उसको भोगने के लिए, उसके लिए भी जबरदस्ती। अब आप बोलो बाबा मैंने इतना कर्म कर लिया ना, इतना शेष कर्म कर लिया, अब आप ये मेरा सारा शेष कर्म का पुण्य रखो, प्लीज मुझे इसके बदले कभी भी धरती पर मत भेजना। बाबा कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमने कर्म किया है इस धरती पर, चाहे सुख का ही कर्म किया है तो उसको भोगने भी हमें जबरदस्ती है। मन भी नहीं है तो भी नीचे आना पड़ेगा, नहीं है मन हमें परमधाम छोड़ने का, हो सकता है ना ऐसा भी हो, फिर भी आना पड़ेगा। हम मुक्ति पाते हैं दुखों से, हम मुक्ति कभी भी कर्म और कर्म के फलों से नहीं पाते हैं। दुख के बंधन से मुक्ति पाते हैं, लेकिन सुख के मीठे बंधन में बंध जाते हैं। तो यहाँ आना ही है, हम बच नहीं सकते। कृति बहन, हम उसी हिसाब से परम धाम से आते हैं जो बाबा ने मुरली में कहा था ना, कि बाबा वहां बैठ के बोलते हैं कि नीचे जाओ करके। हाँ, अपने आप ही आते हैं हम, क्योंकि हमने कर्मों के बीज बोए हुए ना दीदी। आज इतना श्रेष्ठ कर्म कर लिया, इतने बीज बोले, तो उसको कर्मों के सिद्धांत के अनुसार उसको भोगने में नीचे आना पड़ेगा। मतलब अभी हम अपने कर्मों के बीज बो रहे हैं। आप ही बताओ, बो रहे हो ना? क्यों नहीं बो रहे हो? चाहे श्रेष्ठ कर्म, चाहे कर्म जैसे भी आप बो रहे हो, वो तो हर पल कर्म कर रहे हो आप, कर्म भूमि में हर पल कर्म कर रहे हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नींद के कर्म बोल दिए थे। बहुत ही बढ़िया, अच्छा किया। तो शरीर को जरूरत होती है तो नींद आ गई थी मेरे को, कोई बात नहीं। तो एनीवे, तो ये बात समझ में आए कि हम भले ही एक डायमेंशन में पहुंच जाए, किसी भी डायमेंशन में पहुंच जाए, जो रंग रलिया है, जो रचना है, वो रचना को अनुभव करना, वो करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती है, जो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, जो बैकग्राउंड चाहिए होता है, वो हमेशा थर्ड डायमेंशन का होता है। थर्ड डायमेंशन में मतलब स्थूल जगत का होता है। तो हम जब एट डायमेंशन में है, तो एट डायमेंशन में हमारे पास में ऑल यूनिवर्सेस आर ओपन, ऑल योनिया बोल लो आप, ऑल एनिमल्स बोलो, हर तरह का एक्सपीरियंस ओपन है। एंड यहाँ पर हम इंचार्ज, मतलब यहाँ पर हमारे इन कंट्रोल है, मतलब हम जो चाहे वो हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं। मैं अधिकारी हूँ यहाँ पर, या मैं पावर में हूँ यहाँ पर, मेरी पावर चलती है। तो मुझे जो अनुभव करना है, जैसे उस भाई को भी अनुभव करना, तो उसने कर लिया।
आपको कुछ और अनुभव करना है, ब्रह्मा बाबा होना क्या होता है, कर लो अनुभव, यू कैन डू दैट। यहाँ पर आप जो चाहे वो अनुभव कर सकते हैं, ये वो डायमेंशन है, एट डायमेंशन। लेकिन हमें वो उस डायमेंशन में कुछ भी अनुभव करने का बेनिफिट क्या है? आत्मा अनुभव करनी आती है ना दीदी, धरती पर हम क्यों आते हैं, अनुभव करने। आत्मा का खाना ही अनुभव है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस धरती पर हम कर रहे हैं और वो हम ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, मतलब ये कह लो कि हमारा जो सराउंडिंग है वो हमसे करवा रहा है जबरदस्ती, मतलब हम नहीं चाहते उसको करना लेकिन फिर भी मतलब हालात कुछ इस प्रकार के होते हैं, हमें करना पड़ता है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? तो वो तो आप एट डायमेंशन में नहीं हो ना, फिर आप फोर्थ डायमेंशन में या थर्ड डायमेंशन में, उसके लिए। और इस एक समय में ये सारे डायमेंशंस ओपन है। अभी हमारा पुरुषार्थ है कि हम हमारी करंट डायमेंशन को, जहां पर हम अधीन है, को पार करके अधिकारी वाले डायमेंशन में जाना चाहते हैं, और जाना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर डायमेंशन हर समय ओपन है आज के समय में, ऑल डायमेंशंस आर देयर। अब आप थर्ड डायमेंशन में रहकर मजदूरी वाला काम करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, आप यू आर फ्री टू डू इट, या अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करके एट डायमेंशन में करते हुए भी कर्मेंद्रिया आपकी सेवा कर रही है जो करनी है, और आपकी मन बुद्धि लगी है फरिश्ता बन के अनुभव करने में, सकाश देने में, जो भी आपको पसंद है वो करने में लगी है, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप अनुभव कर सकते हो। मतलब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हुए भी वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कई आत्माएं अनुभव करती हैं। वो तो हाथ काट दे मन याद दे वाली बात हो गई ना, और वो हो रहा है ये, तो चलो हम बाबा कहते हैं तो हमें लगता है कि बाबा कहते हैं, होता है या नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी तो समझ में आ गई ना, ये समझ में आ गई बात। बहुत सारी आत्माओं को पर्सनल अनुभव है कि हाथ काट दे दिल याद दे, पर्सनल उनके अनुभव है ये कि जो ये बाबा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, पर्सनल अनुभव है। तो दीदी इसके लिए पुरुषार्थ क्या होगा? हाँ, पहले हम ये सारे डायमेंशन समझ जाए। ठीक है, क्योंकि एक एक अभी हमें पहले ये समझना पड़ेगा हम है कहाँ पर, राइट, उसके अनुसार हमारा पुरुषार्थ। अब आज तो हो गए 4:45, क्या लगता है और आप लोगों को रुकने की इच्छा है या हम नेक्स्ट टाइम के लिए कंटिन्यू करें? आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, कर सकते हैं कंटिन्यू, थोड़ी देर और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, किस कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं करना है? ठीक है, तो एट्थ डायमेंशन में आई एम फ्री टू बी एनीथिंग, मतलब टू सी के मेरे कितनी सारी पॉसिबिलिटी, मैं किसी भी यूनिवर्स को, किसी भी यूनिवर्स, किसी भी एम्बॉडीमेंट को मैं अपना बना सकती हूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं ये भी हो सकती हूँ, मैं वो भी हो सकती हूँ, मैं बी भी हो सकती हूँ, मैं पहाड़ भी हो सकती हूँ, मैं एक टूटा हुआ सूखा पत्ता भी हो सकती हूँ, मैं पानी बहता हुआ पानी भी हो सकती हूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ इस डायमेंशन में, मैं कुछ भी हो सकती हूँ। जब मैं सेवेंथ डायमेंशन में आती हूँ तो मैं उसमें से एक रोल को एक्सेप्ट करती, फील करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, और फिर सिक्स्थ डायमेंशन में आने के बाद में मैं उसको कर्म में लाती हूँ, मैं सेवा में लाती हूँ उसको। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो दुनिया के जगत हमारे पास खुले हैं वो ज्ञान और योग है, ज्ञान और योग। जब हम सेवेंथ डायमेंशन में होते हैं तो हम धारण कर लेते हैं उस एक रोल को, उस एक एट्रीब्यूट को। यहाँ पर वो प्रेम स्वरूप भी हो सकती है, मैं ज्ञान का सागर भी हो सकती हूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा वो है। लेकिन जब मैं सेवेंथ डायमेंशन में तो होती हूँ तो मैं उस एक एस्पेक्ट को धारण करके अब सिक्स्थ डायमेंशन में सेवा करती हूँ। अभी तक मैं स्थूल जगत में स्थूल कर्म इंद्रियों के साथ कुछ भी करने पर नहीं आई हूँ। एवरीथिंग इज हैपनिंग एट सूक्ष्म लेवल, एट अ डायमेंशन जहां पर अभी तक समय नहीं आया है। जैसे आप कितनी भी देर इसको अनुभव कर लो, बी होने को कितनी भी देर अनुभव कर लो, सूक्ष्म जगत में जितना समय होगा उसके कंपैरिजन स्थूल जगत में कोई समय नहीं बीता होगा। सेकंड्स में आपको बहुत बड़े बड़े अनुभव हो सकते हैं, यहाँ पर सेकंड निकला और वहां पर पता नहीं कितना समय हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक समय इतना अपना योगदान नहीं दे रहा है,
समय से परे बातें चल रही है अभी। आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर समय नहीं है, स्पेस नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, ओपन है। आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर ब्लैंक कैनवस है, जहां पर अभी तक समय को भी हमने नहीं गढ़ा है, जड़ा है, पहुंचा ही नहीं है समय। अभी तक तो हमारे मन में ये प्लानिंग चल रही है, हम टाइमलेसनेस में है। तो सेवेंथ में मैंने उदाहरण किया और सिक्स में अब मैंने क्या किया, उससे सेवा करना शुरू किया। तो एक्चुअल में सेवा यहाँ है, जो हम कर रहे हैं स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा, वो सेवा का बहुत स्थूल मतलब बहुत ग्रोस लेवल है। उस सेवा की बाबा बात करते ही नहीं है, बाबा इस सेवा की बात करते हैं। तो एनीवे, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हम यहाँ फ्री टू क्रिएट हैं। अब अगर हम प्रेम स्वरूप हो रहे हैं, मैंने सोचा कि आज मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, तो अब मैं अविस में प्रेम के सागर के द्वारा जो भी कहीं पर भी अपना सकाश फैलाना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, उससे पहले मैंने अपने अंदर प्रेम को इंस्टिल कर लिया। मैं एम्बॉडी हो गई हूँ उस चीज की, मैं बन नहीं रही हूँ प्रेम स्वरूप, मैं हूँ प्रेम, प्रेम इज बींग डिफाइंड बाय मी। तो अब मैं जहां जा रही हूँ मेरे साथ में वो लाइट है। तो यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी थी, एट डायमेंशन में पॉसिबिलिटी थी कि मैं किसी भी लाइट को धारण कर सकती हूँ। प्रेम की लाइट मानो हरी है, सुख की लाइट येलो है, मैं कोई भी लाइट धारण कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने धारणा कर ली, मैं यहाँ पर बन गई, मैं ये हूँ। तो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जैसे बाबा के 32 गुण है हमारे सामने, 32 गुण मना की एट्रीब्यूट, डिफरेंट एट्रीब्यूट है बाबा के। तो उस एट्रीब्यूट का मैं फरिश्ता बन गई हूँ सिक्स्थ में, उस एट्रीब्यूट का मैं फरिश्ता बन गई। यहाँ पर आर्क एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसे बहुत प्यार से बताया। जैसे अब आर्क एंजल्स के अगर आप नाम देखोगे गूगल पर, तो लिखा होगा यूरियल, लिखा होगा माइकल, लिखा होगा गैब्रियल। ये बात, ये नाम याद आ रहे हैं आपको, आर्क एंजल्स के ये नाम होते हैं। yes. राइट right? तो अब उसने बहुत अच्छा बताया व्हाट आर दे एग्जैक्टली, यूरियल का मतलब क्या है, उरियल एल, सॉरी उर ए एल, उर मतलब होता है लाइट ऑफ गॉड। जब मैंने लाइट ऑफ गॉड को एम्बॉडी कर लिया तो मैं यूरियल हूं। माइक एल ऐसे कुछ होता है, माइक एल, तो ये माइक का भी कुछ मतलब होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। गैब्रियल मतलब पावर, गैब्रे और एल मतलब गॉड की पावर, शक्ति स्वरूप को मैंने धारण कर लिया तो मैं गैब्रियल हूँ, माइकल हूँ, और भी बहुत सारे नाम है। हमेशा उसके पीछे आपको एल मिलेगा, ई एल, मतलब गॉड के उस एट्रीब्यूट का मैं एम्बॉडीमेंट हूँ और मैं उसको कर्तव्य में लगा रही हूँ, वो एक्चुअली आर्क एंजल्स हैं। अब मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ ये दूसरी बात है, मैं आत्मा उस चीज को धारण करती हूँ, लेकिन ऑलरेडी दुनिया में शक्तियां काम कर रही हैं, जो जिनका जो बिना आत्मा के फरिश्ते काम कर रहे हैं, देर आर फरिश्ता भगवान ऑलरेडी देर जो की काम कर रहे हैं। तो वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, बाबा की शक्ति काम कर रही है। हम कहते हैं बाबा की शक्ति काम कर रही है, जैसे गणेश है, हनुमान है, ये क्या कोई इंसान थोड़ी है, रावण है, ये कोई आत्मा नहीं है, लेकिन ये एक शक्ति है जो काम कर रही है। तो वो शक्ति जो काम कर रही है, जैसे प्रेम शक्ति काम कर रही है, तो उसका नाम कहीं आपको किसी आर्कएंजल में मिल जाएगा, किसी में लव को कुछ कहते होंगे, वो इसके पीछे एल लगा होगा। तो वो शक्ति काम कर रही है, वो शक्ति नहीं होता दीदी, ये इनमें सोल नहीं है, जैसे गणेश है, हनुमान है। नहीं 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 नहीं, ये तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते अच्छा, फरिश्ते भी लाइट शक्तियां में तो नहीं है, नहीं, ये एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है जो काम करे, बाबा की शक्ति है जो काम कर रही है। ओके, शक्ति काम कर रही है। जैसे आज हम दुनिया में देवी की स्थापना करते हैं, किसी जगह पे मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो उसमें कोई आत्मा की थोड़ी बैठती है, वो शक्ति स्थापन होती है वहां पे, उस शक्ति का आह्वान होता है। काली एक शक्ति है, काली कोई इंसान थोड़ी है, राइट? उस शक्ति को जब हम धारण करते हैं तो हम कहते हैं हम काली स्वरूप हो गए, या हम दुर्गा स्वरूप हो गए। स्वरूप कभी भी बोलते हैं दुर्गा बन गई, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, आई एम्बॉडीड दैट पावर इन मी, मैंने उसको एंकर कर लिया, मेरा बना लिया, अपने अंदर डाल दिया,
क्योंकि शक्ति अलग है, मैं अलग हूँ, शक्ति जिंदा है, शक्ति इन इटसेल्फ इंटेलिजेंट है, कॉन्शियस है, अपना काम कर रही है, शक्ति चैतन्य है, जिंदा है। तो उन शक्ति दीदी वो पूजा जो होती है वो शक्ति की होती है या मेरी होती है? शक्ति की होती है। क्यों कहती हूँ कि मेरी पूजा होती है? क्योंकि मैं वो हूँ जो शक्ति को इस धरती पे लाई हूँ, मैंने उस शक्ति को एंकर किया है। अगर मैं आज तपस्या नहीं करती ना मानसी बहन संगम पर, तो शक्ति इस धरती पर आती नहीं, बाबा से मैं शक्ति खींचती हूँ, समझे? वो तो बाबा के पास है, वो उसको नीचे आने का उद्देश्य क्या है वो बाबा की सुनती है। तो बाबा तो, दीदी जो शक्ति है बाबा की वो मेरे द्वारा ही कार्य करती है, मतलब अगर कोई आत्मा उसको एक्सेस करना चाहे तो उसको इट हैज टू एक्सेस थ्रू मी और डायरेक्टली नहीं मिल सकती, वो अपने वो अलग भी काम करती है अभी तो कहते हैं पावर इज वैल्यू। हाँ, लेकिन उस शक्ति को धरती पर एंकर करने का, धारणा करने का काम मैंने किया है। कल हमें वो शक्ति छोड़ के चली जाती है, हो सकता है हमें हमें वो शक्ति छोड़ के चली जाए, और छोड़ के गई है कितनी सारी शक्तियां, लेकिन वो शक्ति भी एग्जिस्ट करती है। बाबा ने कहा बच्चे अंत में देवी देवताओं की इतनी पूजा नहीं होंगी जितनी शक्ति की होंगी। आज के समय शक्तियां पूजी जा रही है, देवी देवता इतने नहीं पूजे जा रहे। इसका मतलब तो कृति बहन ये हुआ कि ये जो भी शक्तियां हैं दीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स इन ऑल डायमेंशंस, राइट? जितना जितना हम अपनी स्टेज को उन उन डायमेंशंस में अपलिफ्ट करते हैं अपने पुरुषार्थ से, उतना हम उसको इम्बाइब करके हम उसका स्वरूप बन पाते हैं। जी, हम एक ऐसी वी आर सच अ वेसल जिसमें बहुत सारी शक्तियां रहती है आकर के, हमने स्टार मेडिटेशन में बात सीखी थी। यस, राइट, हम में बहुत सारी शक्तियां रहती है, हम वो वेसल हैं, लेकिन शक्तियां हमसे सेपरेट भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमने आज जो सेवा करी है उन शक्तियों को धरती पर लाने की, वो हमारे अलावा और कोई आत्मा नहीं कर सकती है। जो तपस्या हम कर रहे हैं आज, जैसे आप सहन शक्ति को ला रहे हो, सहन कर रहे हो, सहन शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो उस शक्ति को। बाबा कहते हैं उसको यूज करना मतलब शक्ति को बढ़ाना, मतलब हम उसको धारण कर रहे हैं, उसको एंकर कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये कर्तव्य सिर्फ मैं कर सकती हूँ ना, क्योंकि सहन शक्ति सिर्फ उसी की बढ़ेगी जो परमात्मा के डायरेक्शन पे चल रहा है। औरों में थोड़ी सहन शक्ति बढ़ सकती है, कहाँ से बढ़ेगी? क्योंकि सहन शक्ति सिर्फ बाबा की सुनती है, बाबा की शक्तियां हैं वो। बाबा ने कहा मेरे बच्चे हैं तो जाओ तुम इनकी बात सुनो या बढ़ो या ऐसे प्रोपोगेट करो, बढ़ाओ बाबा की शक्तियों के खजाने को, बढ़ाओ, इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं हम, देयर इज नो लिमिट टू इट। वो सेवा हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम श्रीमत पे चल रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है और वो बाबा की शक्तियां हैं, वो बाबा की सुनती है, बाबा से ही हमें मिल सकती है। अब जो आत्मा बैठ करके धर्म स्थापकों को याद कर रही है उनको थोड़ी वो शक्ति मिलेगी, वो धर्म स्थापक भी बाबा को याद करता है, फिर उस धर्म स्थापक को मिलती है, फिर धर्म स्थापक से उन आत्माओं को मिलती है, समझे? हाँ जी, धर्म स्थापक को शक्ति कहाँ से मिलती है? बाबा से। ओम शांति जी, आपने ये बातें सब कहाँ पढ़ी? क्योंकि ये पहली बार सुना है कि बाबा की शक्ति है। ये कहाँ से वाकई में थी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपको कहाँ से आई है? तो ये तो मतलब जो आज के समय में जो है काम कर रही है शक्तियां, कुछ ऐसा नहीं है मुझे संपूर्ण, मुझे भी बहुत सारे लोगों से पता चलती है, बाबा से पता चलती है, बहुत सारी बातें होती है, ऐसे ही नहीं चीजें समझ में आ जाती है, प्लस आपका योग भी होता है जो उसको डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि कभी कभी हमारे पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम क्या है, शक्ति ही सब कुछ है, हम क्या कर सकते हैं, एनीवे तो बहुत सारी बातें होती है। तो बेसिकली वो शक्तियां जो है वो आर्कएंजल के नाम से जानी जा रही है, और उसमें से एक शक्ति है एट्रीब्यूट, अनदर एट्रीब्यूट। अब वो बाबा का है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, स्टिल आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसमें से एक एट्रीब्यूट है जिसकी शक्ति है चीजों को तोड़ना, चीजों को बांटना, उसको लूसिफर कहा जाता है, सेटन कहा जाता है, शैतान कहा जाता है, और हमारी भाषा में उसको माया कहा जाता है। ये भी एक शक्ति है, माया नहीं है,
माया सिर्फ मेरे संस्कार है, मेरी कमी कमजोरियां हैं, ऐसा नहीं है। मेरी कमी कमजोरियां जिसको अगर हम कमी कमजोरी को यूज करते हैं तो माया की शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं सहन शक्ति को यूज करती हूँ तो सहन शक्ति को प्रोपोगेट करती हूँ, वैसे अगर मैं माया की किसी भी शक्ति को यूज कर रही हूँ, मान लीजिए आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा, तो मैं माया की शक्तियों को प्रपोगेट कर रही हूँ, जिसके लिए बाबा ने आज कहा माया के ग्राहक है हम, उससे खरीदते हैं, यूज करते हैं, बढ़ाते हैं। इसका कृतिवे बहुत सुंदर एग्जाम्पल अभी जो राधे कृष्ण में लेटेस्ट चल रहा है ना, उसमें यही दिखाया है कि उसमें दिखाया कि जो राहु और केतु जब वार करते हैं कृष्ण के ऊपर में, तो उसमें राधा राधा प्रेम की शक्ति उन्होंने दिखाई है, तो उसमें ये दिखाते हैं कि जब राधा क्रोध करती है तो उनकी पावर बढ़ जाती है राहु और केतु की, है ना, मतलब वो लूसीफर की जो पावर्स है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही वो एनलाइटन, जैसे ही वो ध्यान में बैठती है तो फिर उसको वो अपनी अपनी चेतना को फिर से जागृत करती कि मैं प्रेम हूँ, और मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मेरे पास प्रेम की शक्ति है। तो जैसे ही वो उसको स्मरण मतलब स्मृति में इमर्ज करती है तो वो फिर से पावरफुल हो जाती है, और जिस पावर से फिर से वो उनकी जो जो राहु केतु है या हम कहें यहाँ पे जो लूसीफर है उसकी शक्तियों को मर्ज कर देती है एक तरह से। बिल्कुल समझ गए, तो सही एक्यूरेट बोला आपने। तो अब देखिए, अभी तक हम स्थूल जगत में आई नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन सूक्ष्म, स्थूल में हमारे, अब ये सूक्ष्म हमारा प्लेग्राउंड जो है, एक सेकंड, तो सूक्ष्म हमारा जो प्लेग्राउंड है, ओके, सूक्ष्म हमारा जो प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड अभी तक हम यहाँ नहीं आए हैं, अभी तक हम ऊपर ही हैं, इस लेवल पे आए नहीं है, हम इस डायमेंशन में आए नहीं, अभी हम यहाँ बैठे हैं। अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रेम की शक्ति का अनुभव कर, या मैं प्रेम की शक्ति हूँ, तो अब इसको इस तरह से समझना है कि अब जो मैं यहाँ पर अपने लिए लेकर बैठी हूँ कि ये मेरी प्रेम की शक्ति है, उसका प्रभाव धरती पर पड़ रहा है और एक रियलिटी क्रिएट हो रही है फॉर मी, एक कर्म क्रिएट हो रहा है फॉर मी, जो मैं यहाँ बैठ करके डिसाइड कर रही हूँ अपने लिए। सिमिलरली अगर मैंने सोचा कि मुझे घृणा करनी है तो उसका उस वो चॉइस से नीचे जगत पे एक रियलिटी क्रिएट हो रही है, ना कि उस रियलिटी का मैं शिकार हूँ और मुझे वो क्रिएट करना पड़ रहा है। नो, जब मैं इस रीति से जा रही हूँ, एट से सेवन से सिक्स से फिफ्थ जब मैं जा रही हूँ, तो मेरी सूक्ष्म स्थिति का स्थूल पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये वाला फ्लो इम्पोर्टेंट था समझाना। मैं जो सूक्ष्म में हूँ, जो मैं चॉइस करके योग से, धारणा से, अपनी स्थिति से, अपने डिटर्मिनेशन से, जो मैं उस जगत में अपने लिए चूज कर रही हूँ, उसका प्रभाव इस थर्ड डायमेंशन पे पड़ रहा है, इस जगत पे पड़ रहा है, इसको बाबा सेवा कहते हैं। ये सेवा एक्चुअल में बाबा चाहते हैं, जहां मैं एम्बॉडीमेंट हो रही हूँ, मैं हूँ एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीड, एंड आई एम, मेरा प्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है, ना कि दुनिया का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन आपका प्रभाव कब पड़ेगा, जब आप अधिकारी हो, आप क्रिएटर हो। यहाँ पर मैं क्रिएटर हूँ, सिक्स डायमेंशन में मैं अपने हिसाब से क्रिएट कर रही हूँ अपनी रियलिटी, मैं बंधनों में नहीं बंधी हूँ। अरे यार, अगर ये हो रहा है, साथ रहती हूँ इनके साथ रह करके मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, या मैं ये कर्म करते हुए कैसे खुश रह सकती हूँ। यू आर नॉट बीइंग क्रिएटर एट दैट टाइम, उस समय में हम क्रिएटर नहीं है, उस समय में हम अधीन है, स्लेव है, हम सिक्स डायमेंशन में नहीं है, हम थर्ड डायमेंशन में रह करके थर्ड डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट, समझे। तो जब हम अपनी स्थिति को, बाबा कहते हैं पहाड़ को उड़ करके पार कर लो, उड़ना मना, उड़ना मना, उस लेडी को आज बुला लेते हैं, ओके, उड़ना मना,
कि हम इस स्थिति से इंस्लेवमेंट को चेंज करके एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, एनलाइट हो रहे हैं. एनलाइटमेंट का बहुत अच्छा उन्होंने बताया, इट डजंट मीन टू गो अप. एनलाइटमेंट का मतलब यू नो तो ऊपर असेंड करना. एनलाइटमेंट का मतलब होता है फैलाना, लाइट आ जाना. तो हम अपनी लाइट को फैला रहे हैं, ना कि उससे उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या उसको बस कैसे ना कैसे करके चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग एंड ट्रांसेंडिंग. आप लोग देखिएगा इसका मतलब गूगल पे. असेंड करना और ट्रांसेंड करना, इन दोनों में फर्क होता है. बाबा ट्रांसेंडेंस की बात करता है. तो ये बात समझ में आई. यहाँ हम टोटली फ्री टू क्रिएट है. हमें कोई बंधन, हम पे कोई बंधन नहीं कि ये कैसे कर सकती हूँ मैं. अगर आज आपको अपनी फीलिंग्स पर, अपने स्टेट ऑफ बीइंग पर संपूर्ण अधिकार हो गया है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो आप मानो सिक्स डायमेंशन में बैठ करके क्रिएटर बने हो, मास्टर क्रिएटर बने हो. अब आपका प्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है, ना कि दुनिया का प्रभाव आप पर पड़ रहा है. क्योंकि दुनिया के प्रभाव जो आप पे पड़ रहे थे, वो सारे एंकर्स आपने खत्म कर दिए. वो हम आगे समझेंगे. थर्ड डायमेंशन को छोड़ना मतलब क्या, हम हैं सत्यु की आत्माएं होना, मना हम हैं एलिवेटेड डायमेंशन की आत्माएं. हम हैं उस डायमेंशन पर. कोई चीज है जो हमें थर्ड डायमेंशन में रोकी हुई है, पकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है. तो उन एंकर्स को जब हम हटाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को उस डायमेंशन में पाते हैं जहां पर सत्युग था और अब आने वाला है. वहां जाने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन अपने आप को थर्ड डायमेंशन से हटाने का पुरुषार्थ है. ये बात समझ में आया, सिक्स डायमेंशन क्या है. ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे. उसके बाद में अगली क्लास में इसको और चीजों को समझेंगे. पहले हम इसी को थोड़ा सा और मंथन करते हैं. कृतिबेन, ये जो सिक्स्थ वाला पॉइंट आपने बताया एनलाइटनमेंट, तो इसका मतलब जो हम ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म मंथन में महसूस करते हैं, तो वो उनकी एनलाइटेंड स्टेज है सिक्स्थ डायमेंशन में. वो उनकी सिक्स्थ है या एट्थ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनके एनलाइटेंड स्टेज. He is no more bounded by the laws of this world. इस जगत के नियम अब शिव बाबा पर काम नहीं, मतलब ब्रह्मा बाबा पर काम नहीं कर रहे. उस जगत के नियम एकदम अलग है, वहां समय नहीं है. फोर्थ डायमेंशन इन इटसेल्फ से हम समय को पीछे छोड़ देते हैं. समय सिर्फ और सिर्फ थर्ड डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है. ये हम अगली क्लास में समझेंगे. ठीक है, वीडियो YouTube पर अवेलेबल होगा. हाँ, मैंने डाल दिया है ग्रुप पे. नाइन डायमेंशंस ऑफ डीएसडीएफ नो के प्रतिबिंब टाइम कौन से डायमेंशन में है. थर्ड डायमेंशन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता टाइम. हाँ, टाइम थर्ड के ऊपर नहीं. मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एट डायमेंशन के बारे में उसने बताया था कि एक ही व्यक्ति एक जगह तो पियानो बजा रहा है, एक जगह वो कुछ दूसरा कार्य कर रहा है, और तीसरी जगह वो दूसरा कार्य कर रहा है, तीसरा कार्य कर रहा है, वो ही बंदा. बिल्कुल पॉसिबल. प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, यस, वो पॉसिबल है कि वो इतनी सारी जगह वो काम कर रहा है. तो यहाँ क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम भी एक ही समय में कई जगह काम कर रहे हैं, हो सकता है हमें भी पता नहीं हो. ये आपकी थर्ड डायमेंशन से आप एट डायमेंशन समझ रहे हो. एट डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन समझना है. थर्ड डायमेंशन में बैठ करके आप एट डायमेंशन को नहीं समझ सकते. थोड़ा सा अभ्यास करेंगे हम इस पर, समझे आप, क्योंकि थर्ड इज ऑलरेडी लिमिटेड. यहाँ पर हम ऑलरेडी समय के साथ, स्पेस के साथ जुड़े. अब आपको बड़ी बात लग रही है, क्योंकि लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है एक समय में दो जगह पर. एक समय है ही नहीं, वो समय दो ही है. लेकिन एट डायमेंशन एक ऐसी जगह है जहां समय एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसा नहीं है वो इंसान एक समय में दो काम कर रहा है. समय अलग अलग है, लेकिन वो जहां पर है वहां समय नहीं है.
वहां उसके सामने वो समय फाइल के रूप में है, तो एक बार में वो दो फाइल्स देख रहा है, लेकिन जब वो स्थूल जगत में आएगा, यहाँ समय होने के कारण वो जो चीजें होंगी वो अलग अलग टाइम पर इम्प्लीमेंट होंगी यहाँ नीचे, समझे कृष्णा बहन? प्रतिबेन ये तो क्या है कि जब हमने वो वाले वीडियोस देखे थे पहले, उस समय हमने ऐसे समझा था, अब हाँ। ये वाला वीडियो देखा तो अब हम ऐसे समझ रहे हैं, यानी हमारी बुद्धि अब खुली है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें ये जो अभी कृष्णा दीदी ने जो बोला ना, मतलब एक ही पर्सन फिजिकल वर्ल्ड में ही दो जगह पे प्रेजेंट हो रहा है करके, तो उसमें मतलब मेरे सामने नहीं, मैं एक लाइव 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 वो बता रही हूँ, अगर आप मतलब आप उसको बताना कि वो क्या है फिर, मतलब अपने ब्राह्मण आत्मा ही है वो, अपने घर में थी, घर में अमृत वेले में, वो अपने ऑफिस में जा करके जो हमारा ये फिंगर पंच होता है ना, अटेंडेंस जो लगता है ऑफिसेस में, स्कैन करना, थम स्कैन करना, वो सूक्ष्म में जाके उसने किया वहां पर जा करके, राइट? और फिर जब वो अपने ऑफिस के टाइमिंग पे ऑफिस में पहुंचा तब उसने स्कैन किया, तो कुछ समय के बाद अराउंड 15 डेज के बाद में, मतलब एवरीडे ही वाज डूइंग द सेम थिंग, तो उसने एक बार अपने आप को चेक करने के लिए, ही वाज न्यू एट दैट टाइम मतलब ज्ञान में, तो उसने चेक किया तो ही फाउंड कि वो दोनों ही टाइम स्कैन होकर के उनके लिस्ट में आ रहे थे वहां पे। करेक्ट, आ सकता है, आ सकता है, लेकिन दिस इज नॉट रिद्धि सिद्धि, बट वो न्यू मतलब योग में, मतलब वो सूक्ष्म ट्रेवल करके उसने वो किया और वो सब हुआ, तो उस मतलब ये एक समय में ना दीदी, हाँ ये एक समय में नहीं हुआ, समय अलग अलग था, नहीं समय तो अलग अलग था, लेकिन एक तो ऐसा हुआ कि फिजिकली प्रेजेंट होकर के हुआ, और एक है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था वहां पर और फिर भी वो टाइम स्कैन हो रहा है वहां पे। करेक्ट, वो अलग बात हो गई वो, लेकिन समय तो अलग अलग था ना जब ये काम हो रहा है। हाँ समय अलग था, लेकिन वो क्या था मतलब, फिर ये किसको हम क्या बोलेंगे? तो सूक्ष्म शक्तियां है जो काम कर रही है, वो खुद मतलब कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा काम कर रहा है, लेकिन उस आत्मा को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, he was just experimenting this thing। चलिए हाँ, वो कोई बात नहीं, वो तो कौन सा लॉ काम कर रहा है उसको समझेंगे हम आगे, यहाँ पर कौन सी चीज काम कर रही है। क्योंकि उसकी स्पीड, बाबा ने बोला है फरिश्ते स्वरूप की स्पीड बहुत तेज होती है, तो ऐसा लगता है कि एक समय में वो कई सारी जगह पर है। दीदी मैं कुछ शेयर करूं, एक वीडियो था ना अभी कर्मा का देख रही थी तभी, उसमें भी ये था कि बहुत सारे लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुए हैं कि देयर आर सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वो जहाँ पे गए है ना तो वो अलग टाइम पे पहुंच गए, जैसे कोई प्लेसेस पेरू में भी बताए थे और एक जगह अमेरिका में बताई थी जो मैं नाम भूल गई, तो वो भाई जो था ना वो वहां से जा रहा था, he was not in the you know mood ko main kuch alag experience karu ya all that, but he was just going through that street and wahan se wo kisi aur time mein matlab wo 18th century se 1947 mein pahunch gaya, completely in the different country, ye alag concept hai, time travel hai। acha wonderful bataya aapne example, lekin time travel hai ye, wo ek us jagah par kuch electromagnetic waves itni kaam kar, wahi main bata rahi hu, wo seedha nahi gaya hai, wo vaya gaya hai, हमेशा ऐसी आत्मा बीच में से एक वॉइड को क्रॉस करके जाती है। अच्छा। एक वॉइड जो वॉइड उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ टाइम नहीं है, वहां पर वो आत्मा फिर एक ऐसी फाइल चूज करती है जहाँ मतलब इट्स फाइल्स, मतलब सीन्स जो है ना फाइल की तरह रखे है, समय और स्पेस फाइल की तरह है, तो अभी वो उसके वो था 19 मान लो वो था 1827 में, ठीक है एग्जाम्पल दे दो, कि वो इसके पास में उसने वो डायमेंशन ही छोड़ दिया जहां पर टाइम एग्जिस्ट करता है, वो टाइमलेस डायमेंशन में चला गया, अब उसके सामने वो ऑप्शंस है, वो 1857 से 1920 में जा सकता है, 2008 में जा सकता है, कोई भी फाइल को पिक कर सकता है और जा सकता है, तो वो चला गया। ओके okay. वो हमेशा एक वॉइड से कॉन्शियस विदाउट कॉन्शियस नॉलेज ना, उसको नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। हां उसके पास में पहले से पिछले जन्म में रही होगी ऐसी कोई सिद्धि। अच्छा ओके ये सिद्धि है राइट। अभी तक बहुत कम ऐसे टाइम ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस लोगों के, लेकिन अब सामने आ रहे हैं, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन वो भी उसके लिए इस डायमेंशन को छोड़ना पड़ता है जहां पर टाइम एग्जिस्ट करता है, तो यही खेल है, इंटरप्ले ऑफ ऑल दीज डायमेंशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, फोर्थ डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है।
दीदी कुछ एक प्लेसेस ऐसे है ना दुनिया में जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वहां से जब आदमी गुजरता है तो उसे ऐसा अनुभव हो जाता है कि वो कोई भी फाइल चूज कर सकता है। हाँ हाँ हाई, लाइक जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी होगी, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल हो गया, या आप मान लो बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए इतना फेमस है, जैसे हमारे स्टोनहेंज हो गए, जो हमारे लंदन के स्टोनहेंज है ना, ब्रिटेन के बहुत फेमस है, वहां पर भी कई बार लोगों के साथ होता है जब बहुत लाइटनिंग होती है, और वो बनाए भी टाइम ट्रेवल के लिए ही है। अच्छा। पहले के समय में आपके काम करते थे। ओके। क्योंकि हम प्रकृति जीत थे, हम रचना के मास्टर। प्रतिभा एक ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं जिसे महावतार बाबा जी का नाम लेते हैं या फिर जी बोलिए दीदी। ओके ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइम ही है जिसको हम रिसर्च करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही करती मैंने आपकी। अब आ रही, आपको आ रही है, जिसमें हम टाइम को रिसर्च करने वाले हैं कि टाइम कैसे काम करता है, इन डायमेंशंस में टाइम कैसे फ्लो होता है, कैसे काम करता है टाइम, कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता है, तब हम समय के भी रचयिता बनेंगे। अभी तो हम समय के अधीन है, टोटली अधीन है, समय जैसा होगा समय मिलेगा, समय नहीं है ये नहीं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि कृति बहन आज हमने ये सीखा कि हम अब मन बुद्धि से एर्थ डायमेंशन में जाकर और मतलब अपने एक उसको गुण को एम्बाइब कर और जो सेवा करेंगे वो स्थूल से सेवा नहीं करेंगे, अब उस डायमेंशन में बैठकर यहाँ की सेवा करेंगे। ये हो गया थर्ड से एट्थ में जाना। हाँ, एट्थ से थर्ड में आने की विधि अलग। अब एट्थ से थर्ड में आने की विधि, तो पहले एट्थ में जाना तो पड़ेगा ना, अभी तो हम तो थर्ड में ही तो हैं। एट्थ में जाने की विधि और एट्थ से थर्ड में आने की विधि अलग है, उसके लिए हमें हमारे ट्रॉमा क्लीन करने पड़ते हैं जो हमें थर्ड में रुके हुए। हम है एट डायमेंशनल बीइंग्स। बाबा ने क्या कहा, तुम पराए राज्य में हो। हाँ, रावण के राज्य में हो। हाँ, हम थर्ड डायमेंशनल बीइंग है ही नहीं। ओ, हम अच्छा। है एट डायमेंशनल बीइंग्स या उसके 8, 6, 7 जो भी होता है ऊपर के, लेकिन कई सारी बातें हमारे अंदर के, कई सारी चीजें जो हमें यहाँ से जोड़ी हुई है वो हमें उड़ने नहीं देती है, हमें वो होने नहीं देती हमें। तो आज ये समझ में आ रही कि बाबा हमको क्या कह रहा है कि देह के संबंधों पदार्थों को के इन धागों को काटो, तो वो यही कह रहा है कि तुम एट डायमेंशन में आ जाओ, यहाँ मत रहो, वो यही कह रहा है बाबा, है ना। वो वहां के आ जाओ, नहीं आपके अधिकारी आत्माएं हो, आप सदा से वहीं के हो, इटर्नली। अच्छा। आप वहीं के हो, लेकिन कर्म करने के कारण ऐसे ऐसे कर्म जो हमने कर लिए और हमारे अंदर हमने ऐसे संस्कार, पुराने संस्कारों को छोड़ो, क्यों बोलते हैं बाबा पुराना संस्कार रिपेयर करने का, इसको छोड़ो कि नहीं तो थर्ड डायमेंशन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन की रीति है पोलैरिटी क्रिएट करना। देखो इनको मिला ना तो मुझे भी मिलना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना, कंपेयर करना, कम्पीट करना, ऊंचा नीचा देखना, आगे पीछे देखना। जैसे जयश्री बहन ने बोला था ना कि हमारा तो ऐसे कहा है, हम तो लेट आए हैं, ये थर्ड डायमेंशन के संस्कार है, छोड़ो इनको, इनको छोड़ो, छोड़ने का सोचेंगे तो एट डायमेंशन की बातें क्लियर, छूटो तो छोड़ेंगे। हाँ, जब इसको छोड़ने का सोचोगे, मुझे ये संस्कार को यूज नहीं करना है, ये संस्कार थर्ड डायमेंशन का है, बाबा अब एट डायमेंशन की सोच क्या है, तो जब आप ये छोड़ोगी, अपने आप को क्लियर करोगे, अपने एंकर, मतलब आप एक तरह से समझो आप एक बहुत बड़ा विशाल बलून हो, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, आप उड़ने के लिए बने हो, लेकिन आपके चारों तरफ रस्सियां बांध करके आपको वो कील से आपको नीचे धरती में जोड़ रखा है। अब आप बोलो मैं ऊपर जाने का पुरुषार्थ करूं, आप कुछ भी कर लो नहीं जा सकते हो, आपको नहीं जा सकते। हाँ, रस्सियां काटने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऊपर उड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, उड़ना आपको आता है, आपको काटना है, समझे। आप जैसे काटोगे ऑटोमेटिकली उड़ जाओगे, आप बने उड़ने के लिए हो, बलून बना उड़ने के लिए, उसको उड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना है। तो बैठ करके ये मत सोचे मैं फरिश्ता हूँ उड़ रहा हूँ, नहीं आप हो, आप हो वो बनना नहीं, आप वो बलून हो जो उड़ रहा है,
लेकिन जो आपको रस्सियां बांधे हुए हैं नीचे उनको काटो, जो आप ऑटोमेटिकली उड़ने लग जाओगे। अब हाइड्रोजन गैस के बलून को उड़ना थोड़ी नहीं है, उसको क्या करना है, उसको काटना है, समझे। तो बैठ करके मैं सोचा मैं 8 डायमेंशन में जाऊंगी, एम्बॉडी करूंगी। आप हो वो, आपको बनना नहीं, आप हाइड्रोजन गैस के बलून हो, बनना हो, लेकिन आई एम, हाँ आप हो, हमेशा से थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। ये तो रस्सियां बांध करके आपको नीचे रखा हुआ है लोगों ने, तो उन दुख की रस्सियों को हमें काटना है, ट्रॉमा क्लीन करना है। वो जो मुझे बनने नहीं, जो मुझे उड़ने नहीं दे रही है, मुझे उड़ना आता है, मुझे ऊंचाइयों पर जाना आता है, हमेशा से आता था, लेकिन ये जो बात याद आ रही है मुझे, एक बार मैं आपके पास बेंगलोर आई थी ना 15 अगस्त के आसपास, तो आप मेरे को वहां पे, बहुत साल पहले की बात होगी, तो आप मेरे को कह रहे थे कि मैं मम्मी मैं तो है ना ईगल हूँ, ईगल मैं तो ईगल की तरह ऊपर ही ऊपर उड़ूंगी, नीचे नहीं आऊंगी, मेरे को ईगल बनना है, मुझे ईगल बनना है, ऐसे बोल रहे थे। वेरी गुड। तो अब अपन को क्या पुरुषार्थ करना है, रस्सियां काटने का पुरुषार्थ करना, ट्रॉमा क्लीन करने का पुरुषार्थ करना। दीदी एक क्वेश्चन है, इज देयर ओनली दिस वे, मतलब हाँ डेफिनेटली ये ट्रॉमा हील तो करने ही है, बट यू नो इन दैट वीडियो दैट पर्सन वाज एबल टू गो इनटू द 8th डायमेंशन, वो जो बता रहे थे जहाँ पे उन्होंने अपना, मतलब वहाँ पे उसके सारे क्वेश्चन के आंसर जो आपने बोला ना कि यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सो दैट पर्सन वाज आल्सो एबल टू, एंड ही सेड दैट देयर आर सम टेक्निक्स जिसकी हेल्प से कोई भी वहाँ पे जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रोमा हील होना, सारे ट्रोमा हील होना जरूरी है, तभी हम जा सकते हैं। और कोई टेक्निक बताया? हाँ, वो टेक्निक बताए थे ना, वो जाने एवासा क्या है, वो टेक्निक बताई थी ना, वो तो ड्रग है एवासा, वो ऑर्गेनिक ड्रग है, वो प्लांट से बनाई जाती है, प्लांट से निकलता है एक रस, तो वो करना नहीं है ना। हाँ वो हम कर ही नहीं सकते, हम कहाँ जाएं उस प्लांट को लेने। अच्छा ओके, सो दैट काइंड ऑफ टेक्निक भी होंगे जो हमको थोड़े समय के लिए वहां पे ले जा सकते हैं। हां तो वो भाई भी तो कर रहा है ना, जो 8 डायमेंशन में है, वो तो भैया रोज इतना नॉनवेज खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कर्मा तो उनका उल्टा पुल्टा हुआ वही है, लेकिन पॉइंट इज वो हम नहीं कर सकते ना, हमें करना भी नहीं है, हमें उसकी हेल्प नहीं लेनी है, हमें निराई। ओके फाइन, हां टेक्निक्स ऐसी तरह की होंगी जो हमारे लिए श्रीमत नहीं है, वो मुझे नहीं पता और क्या टेक्निक हो सकते हैं, मुझे अभी तक यही पता है, क्या पता कल को पता चलता है, पर अभी तक मुझे ये पता है कि रस्सियां काटनी है। और बाबा ने भी ये बात बोली है, बाबा ने शुरू की 1969 की मुरली में बोला था, बाबा बहुत ऊंची दौड़ी नहीं लगवाते हैं, बाबा अभी खींच सकता है आपको बहन, अभी हम पहुंच सकते हैं वहां पर, लेकिन बाबा ने बोला इतनी रस्सियां हैं तुम्हारे ऊपर कि बाबा नहीं करवा सकता, अभी तुम्हें रस्सियां काटनी पड़ेगी। ये 1969 की एक मुरली है जो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा दौड़ी नहीं लगवाता, कट जाएंगे हम अगर काटेंगे नहीं तो, टूट जाएंगे ना, उड़ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मनीष भाई कुछ कह रहे हो आप, कौन सी रस्सियां हैं, आप दोनों से अनम्यूट हो गए हो। तो बहुत सारी रस्सियां हैं जो आपकी मोह की रस्सी हो सकती है, कर्मों की रस्सियां हैं, ये कर्मों की बंधन रस्सियां हैं, कर्मों के बंधन है, हाँ वो भी है, लेकिन आपके संस्कारों की भी रस्सियां हैं, जैसे अभी जयशंकर ने कहा कि हम तो बाद में आए हैं, हम तो इतने वो नहीं है, ये हमारा बिलीफ है, मोस्टली बिलीफ की रस्सियां हैं, ये तोड़नी है हमें, क्यों नहीं, जब बाबा बोल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ज्ञान की कमी की रस्सियां हैं, ज्ञान की रस्सियां हैं, बिलीफ सिस्टम के, संस्कारों की, बहुत सारी रस्सियां जो काम कर रही है, तो वो रस्सियां पल पल हम, जैसे हम उड़ना शुरू करते हैं तो कोई विघ्न आता है, वो विघ्न यही बताता है कि ये रस्सी है, अब इसको चेंज करो, काटो, ताकि आप आगे उड़ सको, परिवर्तन करो, चेंज करो, काटो, ताकि आगे उड़ सको। विघ्न इज नथिंग, विघ्न आपको रोकने नहीं आया है, विघ्न वो बताने आया है कि आपने ये कमी है, इसको हटाओ, विघ्न कभी भी हमें रोकने नहीं आता है, विघ्न हमेशा हमें हमारी लिमिटेशन दिखाने आता है कि अभी तक जो आपकी रस्सी थी ना वो यहीं तक की थी, रस्सी डली हुई थी आपके ऊपर, लेकिन उसका जो डायमीटर था बहुत लंबा था, इसलिए आपको लगा कि आपकी कोई रस्सी नहीं, अब आप उड़ने लगे, अब वो रस्सी आगे गले में फंदा फंसा हुआ है, अब इसको काटो ताकि आप और ऊपर उड़ सको, और निकल सको, और जाल से बाहर निकल सको, रोकने नहीं आता है वो, ज्ञान रोशनी डालने आता है,
फर्क है दोनों दोनों बिलीफ्स में, बहुत बड़ा फर्क है कि विघन क्यों आ जाते हैं हमेशा मेरे साथ ही, विघन क्यों पढ़ते हैं वर्सेस विघन आया वो अच्छा मेरी लिमिटेशन है वो, क्या नीड टू कट इट, मुझे अपना नजरिया बदलना है या मुझे अपना बिलीफ बदलना है या मुझे अपने में शक्ति धारण करनी है, शायद ये शक्ति की कमी है जिसके कारण ये आया है, मुझे बताने आया है कि ये शक्ति की कमी है, भरो और आगे निकलो, बस खत्म हो गई बात। तो उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सर दर्द कर सकते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या है जीवन सहज नहीं चलता है एंड ऑल दैट, वर्सेस हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये मेरी लिमिटेशन मुझे बताने आया। समझ में आया किस तरह का दृष्टिकोण रखना है मानसी बहन? आप तो रख ही रही हो शायद। कृतिबेन साधु संन्यासी जो चरस चरस गांजा पीते थे ये करते थे ये इसी की अनुभव के लिए करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, और कोई आज के समय में जो भी नशा कर रहा है वो उड़ने के लिए कर रहा है, क्योंकि कर्म की गति तो उनको समझ आती नहीं है कैसे उड़ेंगे। लेकिन बाबा हमें रिद्धि सिद्धि सिखाने नहीं आया है, परमात्म विधि से सिद्धि सिखाने आया है, जो हमें 21 जन्मों तक उड़ाते रहेगा, 21 जन्मों तक हम उड़ते रहे और हमें कोई बांध नहीं पाए, उसके लिए परमात्मा विधि को चूज करना पड़ेगा। ये आत्मा 21 जन्म के लिए नहीं उड़ेंगी, कुछ अभी उड़ लेंगे कुछ बाद में उड़ लेंगे, जीवन मुक्ति थोड़े समय के लिए अनुभव कर लेंगे, 21 जन्मों का वर्षा तो परमात्मा विधि से ही मिलने वाला है। आज ये नया कंसेप्ट आया कि 21 जन्म का सतयुग का वर्षा तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जो 8th डायमेंशन वगैरह ये भी हमको मिलने वाला है, वो 21 जन्म तक हमारा रहेगा। बिल्कुल, आप विश्व के राजा होंगे, बहुत बड़ी बात है, कितनी शक्तियां काम कर रही है विश्व में जिसके राजा आप बनने वाले हो। तो हम सब आज की क्लास को कॉन्टेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे, ट्रॉमा क्लीन करने पर ध्यान देंगे, क्लीन करना है, चेंज करना है हमें, अपने बिलीफ सिस्टम पल में बदलने हैं, पल में, कोई मोह नहीं रखना है उनसे कि अच्छा मेरे साथ जब कोई अच्छा करेगा तभी मुझे अच्छा करना है, इस बिलीफ सिस्टम को मैंने अभी सोचा और अभी बदल दिया क्योंकि ये रस्सी है मैंने काट दी अभी बदल दिया, नहीं वो मेरे साथ कुछ भी करे मुझे अच्छा ही करना है, उसमें कितने भी अवगुण हो मुझे गुण ही देखना है, सोचा और किया तुरंत तुरंत करना है, तुरंत तुरंत रस्सियां काटनी, ये सारी रस्सियां जो हमें यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन गैस के बलून को यहाँ बांधे हुए हैं नीचे उड़ने नहीं दे रही है, इन रस्सियों को हमें तुरंत काटना है, हमारे कल्याण है ना। हम सोचो 8th डायमेंशन में चले जाएंगे फटाफट, तो हम we are detached from this world, although we are in this world but we are detached from this world, totally doing whatever we want to do, experiencing whatever we want to experience। ठीक है, चलो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। ओम शांति करती बहन। ओम शांति सीता दीदी। ओम शांति। ओम शांति ये बोले हैं। ओम शांति। बस सीता दीदी कुछ कह रहे हैं। हाँ सीता दीदी ये बोल रहे हैं कि तुरंत हमको क्लास मिल भी जाएगी क्या, क्योंकि हम भले जुड़ गए थे लेकिन हमको सुनने को नहीं मिली एक भी। बिल्कुल मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, एक घंटे में। ठीक है ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स बाबा। थैंक यू। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति।